चलिए देखिए, अब लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर आपको पूरा इसका फंडा बताया जाएगा। भले आप क्वेश्चन एक ना करिए नोट, यहाँ पर केवल समझना है आपको। हम क्वेश्चन आपको लिखाएंगे नहीं, बस हम मुंह से बोल देंगे ये कह रहा है इस सवाल में और आपको ये करना है। तो आपको वो हर टाइप का क्वेश्चन आपके सीट पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जरा देखेंगे, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था MEE, आप अच्छे से जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, जिसे हम कहेंगे MEE। और एक होता है MEEE, उसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बट यहाँ पर हम MEE कह रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कोई इवेंट अगर E1 है उसके अगर करने की प्रॉबिलिटी P1 है, कोई दूसरी इवेंट है उसके अगर करने की प्रॉबिलिटी P2 है, कोई तीसरी इवेंट है इसके अगर करने की प्रॉबिलिटी P3 है, .. और ये आपका nth इवेंट है इसके अगर करने की प्रॉबिलिटी PN है। और अगर आपसे कहा जाए ये सारी इवेंट्स MEE हैं, तो अगर मैंने कहा इनमें से कोई इवेंट अगर कर जाए इसकी प्रॉबिलिटी, इन सब को ऐड कर दोगे, इन सब का समीशन होगा बेटा। अगर आपसे बोला जाए इनमें कोई ना अकर करे, पहले इनमें कोई अकर कर ले उसको निकाल लेना, फिर 1- कर लेना। एग्जांपल के लिए ए कोई घोड़ा है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5, दूसरा इसकी 1/5 और तीसरा है 1/6। ये तीन घोड़े हैं, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। और आपको मालूम है घोड़ों का जो जीतना है विनर एक ही बनता है, ये जीतेगा ये दोनों हार जाएंगे, या ये जीतेगा ये दोनों हार जाएंगे, यानी एक जीतेगा बाकी नहीं होंगे, नहीं विन करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी इवेंट्स कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन तीनों में कोई एक विन कर जाए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 + 1/5 + 1/6 होगा। इसको कैलकुलेशन करके जो भी आ रहा होगा निकालेंगे। अगर मैंने कहा इन तीनों में कोई ना विन कर पाए, तो पहले इन तीनों में कोई विन कर जाए इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेना, और 1-P कर लेना, तो इन तीनों में कोई विन ना कर पाए इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। चलिए, ये बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में समझ में आती है। यानी थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है ये आपका तब लगेगा जब इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, यानी आपकी परस्पर अपवर्जी होंगी। इनमें से कोई एक इवेंट कहेगा तो आप इन सब की सब प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए मैंने दो इवेंट्स आपको दिए हैं, सुनना इधर बात को समझना, और अगर मैंने कहा दो इवेंट्स दिए हैं और ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एनी टू इवेंट्स हैं, और अगर आपसे कहा है इन दोनों में कोई एक अगर कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये गलत हो जाएगा। ये रूल कॉन्सेप्ट तभी ऐड करना है जब ये इवेंट्स कैसी होंगी, MEE होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो इनका इनमें से कोई एक हो जाए तो तब आप ऐड करना। लेकिन अगर ये नहीं गिवन है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, गलत है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ने कहा सर ये बताइए, अगर मान लीजिए ये इवेंट्स कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, कैसी होंगी बोलो, इंडिपेंडेंट होंगी। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये इवेंट्स हमारी कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मान लीजिए अगर किसी ने, आपको मालूम है अगर हमने कहा E1 इसके अगर करनी प्रॉबिलिटी P1 है, इसके अगर करनी प्रॉबिलिटी P2 है, अगर मैंने कहा दोनों एक साथ अगर कर जाए इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, इसको इनटू कर दिया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ अकर साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ हों इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी P1 और इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी, और इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होगा। लेकिन ये तभी किया जाएगा जब आपकी इवेंट्स कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अगर मान लीजिए हमने ये बात अगर कह दिया कि यार ये दो इवेंट्स हैं और ये दोनों एक साथ हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर आपको दिया नहीं है तो तब आप ऐसा नहीं लिख सकते, तब गलत माना जाएगा। ये केवल का फंडा तभी लगना है जब क्या होगा, इंडिपेंडेंट, दोनों बातें। लेकिन अगर किसी ने कहा सर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और अगर हम कहेंगे दोनों एक साथ हो जाए तो इसकी क्या आंसर आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आपकी दोनों इवेंट्स का एक साथ होना असंभव है, इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये मार्कर है, मैंने कहा इसको हम रिलीज कर रहे हैं, रिलीज का मतलब होता है अपने हाथ से कोई वेलोसिटी नहीं दिया, अगर देंगे तो ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं दी, इसका छोड़ दिया बस, ये मेरे जो दोनों फिंगर दबाए इसको हटा दिया तो ये नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकता अपने आप, इसको वेलोसिटी देनी होगी, लेकिन वेलोसिटी कुछ दी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हम ये कह सकते हैं यानी ये आपका ऊपर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट आता है, एक बच्चे ने कहा सर अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और अगर मैंने वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट यहां पर पूछ लिया कि इन दोनों इवेंट्स में कोई एक इवेंट अगर करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी,
तो मेरे बच्चों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें ऐसे सवालों कैसे करना है अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं और उसमें हम कहते हैं कोई एक हो जाए इनमें, तो इनमें कोई एक हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा यार? बहुत आसान है बेटा। क्या होता है ऐसे सवाल में केस बन जाता है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब होता है आपने कहा कोई एक हो जाए, आपने ये नहीं बताया कौन हो जाए। तो आप ऐसे करना, एक हो जाए मतलब ये वाली हो जा रही है तो ये नहीं हो पा रही है, इसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होंगी, चाहे हो या ना हो वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। इसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा पी वन, इसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना अगर करने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी टू, ये आप इनटू कर देना पी डैश हो गया। केस सेकंड क्या होगा, अब आप अपना जो है ये आपको नहीं कहा है कोई एक हो जाए, ये नहीं कहा कौन सी हो जाए, ये वाली हो जा रही तो ये नहीं हो रही, ये केस बनेगा। या ये हो सकता है कि ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए ये ना हो, तो ये ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी वन, और ये हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा पी टू, और इन दोनों को इनटू कर देना पी डबल डैश। बस इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर जो होगा आपका वो आपका फाइनल आंसर पी हो जाएगा, पी डैश प्लस पी डबल डैश, दोनों केस को ऐड कर दीजिए। भाई मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 100 के नोट है, 50 के नोट है, मिक्स कर दिए, तो आपने कहा उनको गिनना है, तो आप कहोगे केस फर्स्ट 50 वाले नोट अलग कर लो, केस सेकंड क्या होगा 100 वाले नोट अलग कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, पता चल जाएगा आपके पास कितना अमाउंट है। तो वही चीज इसमें भी करनी है, इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाता है कौन हो जाए। अगर वो कह रहा है इवन हो जाए, यानी वो कह रहा है ई वन हो जाए और ई टू ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने आपको बताया था ई वन ई टू अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो किसी भी बार लगाओ ये भी इंडिपेंडेंट होंगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगा पी ई वन और इंटरसेक्शन ई टू से रिप्लेस, मतलब इन टू से रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी पी वन और इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने प्रोबेबिलिटी, होने प्रोबेबिलिटी पी टू, तो कितना होगा वन माइनस पी टू। तो यही वाला तो केस बना, देखो ये वाला केस बस। अरे जब नहीं बोलता है कि भैया आपसे ये कह रहा है कि ये हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये हो जाए, अब उन्होंने ये नहीं बताया कोई एक हो जाए, अब आप खुद दिमाग लगाइए कौन सा एक हो जाए, वो सारे केस एक एक करके बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे मैंने कहा 50 और 100 के नोट मिक्स कर दिए, 50 वाले करो 100 वाले, दोनों को काउंट करने के बाद प्लस किया जाएगा, वही चीज है यहां पर, ये होगा तो ये वाला केस नहीं होगा, ये तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों में कोई एक हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई किसी एक का इवेंट हो रही है, तो इस तरीके से किया जाएगा। एग्जाम में मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सी स्टूडेंट एक और स्टूडेंट हो गया, सी नाम दिया उसको, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो पास होना ये ध्यान दीजिए या क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे बहुत फेमस सवाल होंगे जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दिया, वो सॉल्व कर रहा है, अब वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो भाई वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, एक दूसरे बच्चे को दे दिया, उसका क्या लेना देना यार, एक टॉपर बनता है सब थोड़ा टॉपर बन जाते हैं, एक टॉपर बनेगा उसका इफेक्ट किसी दूसरे पे नहीं पड़ेगा, जो मेहनत नहीं कर रहा उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये पास होना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन दिया तीन बच्चों को और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इस इवेंट को ए नाम दिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व उसको बी नाम दिया, तो ए और बी आपको इंडिपेंडेंट कहोगे, कोई लेना देना नहीं, एक से सॉल्व हो रहा है, ये नहीं कहोगे एक के 60 नंबर आ रहे दूसरे के भी 60 आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अगर मैंने कहा तीनों पास हो जाएं, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है तीनों के, अगर मैंने कहा तीनों पास हो जाएं तो क्या होगा इसका, तीनों पास हो जाएं इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर हमने कहा ए पास हो जाए बी फेल हो जाए और सी पास हो जाए, तो ए पास हो जाए बी फेल हो जाए, क्रॉस का मतलब ना हो, जैसे फेल होने को क्रॉस दिखा रहे, पास होना टिक लगा दे रहे, और सी क्या हो जाए पास हो जाए, तो जैसा बोला वैसे कर दो और उनको मल्टीप्लाई कर देना इन टू वन माइनस, ये फेल हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-1/4, और ये पास हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। अगर मैंने कहा तीनों फेल हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो तीनों पे क्रॉस लगा दीजिए, तो ये 1-1/3 जैसा बोला इनटू कर देना 1-, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट सही हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर क्वेश्चन करता हूं कोई एक पास हो जाए, स्टूडेंट क्या गलत कर देता है, स्टूडेंट जोड़ देता है सन्ने का कोई एक इवेंट अगर अकर करेगा उसकी प्रॉबिलिटी, बेटा कोई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घोड़े वाला सवाल नहीं है कि ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, भैया तीनों हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है दो फेल, उसका कोई मतलब नहीं, आपको ये ध्यान रखिए भाई जितने इस क्लास में बैठे हैं हो सकता है सबके 90 प्लस आ जाएं, ये आपका कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, किसी के आ रहे हैं तो ये नहीं कहोगे उसके भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। लेकिन अगर आपसे मैंने ये कह दिया कोई एक पास हो जाए, कोई एक पास हो जाए, पॉइंट को ध्यान रखना कोई एक पास हो जाए, तो ये तो नहीं बताया ना कौन पास हो जाए, आपको बनाने पड़ेंगे केस। और कितने केस बनेंगे बताओ, कितने केस बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, कितने लोग हैं बताओ। अरे आप ऐसे देखो, ये फर्स्ट पॉइंट केस फर्स्ट, यानी ये हो गया केस फर्स्ट, क्या होगा एक पास हो जाए तो इसका मतलब बाकी दो पे क्रॉस लगा दिया, और केस सेकंड क्या होगा बोलो, केस सेकंड क्या होगा बोलो, ए पास हो, एक पास हो जाए तो टिक अपना बढ़ाओ, रटो नहीं, एक सॉरी
इन दोनों पे टिक अपना आगे बढ़ाओ, दूसरे नंबर पे ये हो गया, और फिर केस थर्ड क्या होगा बोलो, केस थर्ड पे क्या होगा बोलो, सी पास हो जाए, ए बी और सी, ये और ये क्रॉस बस, और ये इसके बाद आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, केस फर्स्ट से जो प्रोबेबिलिटी आएगी प्लस केस सेकंड से जो प्रोबेबिलिटी आएगी और प्लस केस सेकंड से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको ऐड कर देना, वही हमारा ऐसे सवाल का आंसर होता है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर आप बोलेगा कोई एक पास हो जाए तो आप ये ध्यान रखना, केस बनाओ यार, बताया थोड़ा ना, अगर मैंने कहा मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहा ए पास हो जाए और बी और सी ना हो पाए, तो बस सिंपल है, मैंने बता दिया किसके बारे में कौन पास होना चाहिए, तो ये क्लियर है, कोई एक ही सिंगल केस बनेगा आपको, एक ही केस बनेगा, भाई मेरे पास 100-100 के नोट है पूरा, तो क्या जरूरत है उनको इकट्ठा करने की, उनको बस गड्डी बना दो जो डोल लो, यानी काउंट कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें कुछ 100 के भी मिक्स हैं, 50 के भी मिक्स हैं और 200 के भी मिक्स हैं, तो अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-1/5, ये आ गया, एक सॉरी ए पास हो जाए बी और सी पास ना हो पाए, ये होता है सवाल का आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा कोई एक पास, इसका आंसर क्या होगा बोलो, इसको समझ में आ रहा ना क्या करोगे, 1/3, 1-1/4, 1-1/5, इधर से जो आएगा उसको P1 कह देना, इधर से P2 निकाल लेना, P3 निकाल लेना, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट बेटा, वो आपको जो जो मैं बता रहा हूँ आप नोट ना करो, आपको हर एक चीज़ यहाँ सेव कर लो बस, ये दिमाग में अगर ये एक बार फंडा सेव हो गया ना, फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आदत बना लीजिए इसको। यहाँ पर मैंने क्या कहा, ए के अगर करने की प्रोबेबिलिटी, बी के अगर करने की, और ये आपको बता दिया गया है, ये इसके पास होना है, और पास होना तीन स्टूडेंट का इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, किसी एक के पास होने का इफेक्ट दोनों पे नहीं पड़ेगा, हो सकता है तीनों पास हो जाए, हो सकता है तीनों फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाएगा कोई दो पास हो जाए, बताओ अगर कोई दो पास हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी केस बनेगा, भैया आपने बताया तो नहीं कौन सा दो केस, कौन से दो पास हो जाए, दो पास होने का मतलब क्या हुआ, दो पास होने का मतलब क्या हुआ, एक पे क्रॉस लगेगा, तो तुम क्रॉस पे ध्यान दो, ये नहीं पास हो रहा, अब इस पे क्रॉस को यहां बढ़ाना, केस सेकंड क्या होगा बोलो, यहां पर केस सेकंड क्या होगा बोलो, केस सेकंड क्या होगा, ए बी सी, अब ये पास नहीं हो रहा, ये दोनों पास, कोई दो पास हो जाए, और लास्ट अपना इधर रहा, ये क्या होगा ए बी और सी, ये कितना होगा, इस पे क्रॉस, देखो आप दो पे टिक लगाने से बढ़िया एक पे क्रॉस लगाना, भाई मैंने कहा 10 लोग हैं, मैंने कहा मेरे पास 10 स्टूडेंट है मान लीजिए, और मैंने कहा यार मुझे 10 लोगों में 9 लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं 9 लोगों को सिलेक्ट करना हूँ, अब मैं एक एक लड़के को सुनूंगा, यार ये वाला लड़का आ जाए, ये आ जाए, तीसरा ये आ जाए, चौथा ये आ जाए, पांचवा ये आ जाए, तो ज़्यादा बेस्ट है सर जी 10 लोगों को हैं, आपको 9 लोगों को चुनना है, तो आप एक काम करिए, ये दिमाग लगाओ एक किसको हटा दें, क्योंकि जब एक को हटा दोगे तो 9 अपने आप बचेंगे, वो 9 सेलेक्ट हो गए, भाई ये दिमाग लगाओ कौन सा हटाना, भाई जैसे मान लीजिए आपके घर में है, पीछे चले जाओ पीछे से, आपके घर में जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा भाई घर में मम्मी जो है आपकी चावल लिया, और चावल को लिया तो क्या करती, चावल में कूड़ा होता, कूड़ा ही तो अलग करती हैं, बोलिए, अरे कूड़ा अलग करती हैं, चावल अलग करती हैं, कूड़ा अलग करती हैं। अगर आप मम्मी को ज्ञान दोगे, मम्मी को समझाओगे, मम्मी एक काम किया करो आप कूड़ा क्यों अलग करती हो, क्यों बेटा, आप एक काम किया चावल अलग किया करो बेटा, उससे क्या होगा, मम्मी जो बचेगा उसको फेंक देना, बात भी सही है भाई, अगर आप चावल अलग करोगे तो थाली में क्या बचेगा, कूड़ा बचेगा, तो उसको फेंक दो, बात सही, इजी कौन सा सर, इजी कूड़ा, कूड़ा बिनना ना, कूड़ा कम है, वही चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ है, मैंने कहा कोई दो पास हो जाए मेरे बच्चों, दो पास हो जाए, आपको ये बात को समझना होगा, मेरा एग्जाम्पल जरा समझिए, आप कभी अपनी मम्मी को ज्ञान नहीं दे सकते हो, आप ये नहीं ज्ञान दे सकते हो कि आप जो है कूड़ा ना बिना करो, आप मम्मी जो है, मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ आज जो है ट्राई करके, एक प्रैक्टिकल करके, आप चावल बिनना, और बात सही है यार, अगर चावल बिनेगी तो बचेगा क्या थाली में, तो बाद में फेंक देना, ठीक है, तो ये आपका सही तरीका है, बट ऐसा नहीं करना है आपको, कुछ और हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर मेरे बच्चों इस बात का जरा ध्यान दीजिए, कभी भी मैंने आप बच्चों को बताया कि कोई दो पास हो जाए, तो दो पास हो जाए इसका मतलब तीन लोग हैं, तो एक फेल हो रहा है ना, तो उस पर ध्यान दो, बारी बारी से इस पर ट्रिक, इस पर क्रॉस लगाओ, फिर इस पर क्रॉस बढ़ा, फिर इस पर क्रॉस, भाई जिस पर क्रॉस बढ़ेगा बाकी दो पे टिक, यानी दो पास होंगे, ये हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, सर इसको कैसे निकालूं, ये 1/3, 1/4 जैसा बोला वैसा बना के 1-1/5, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इधर कितना होगा 1/4 और n2 1/5, इधर कितना होगा 1-3, और ये क्या होगा
वन बाई फोर, वन बाई फाइव। अब आपको सबसे पहले एक गजब की बात बता दे, एटलीस्ट टू पास हो जाए सो कैसे निकाला जाएगा, एटलीस्ट टू पास हो जाए। सर जी ये समझ में नहीं आता, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना दो के बराबर या दो से ज्यादा, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब होता है कि उसके बराबर या उससे ज्यादा। कोई भी बैट्समैन की हाफ सेंचुरी तब मानी जाएगी जब उसके एटलीस्ट 550 रन होंगे। कोई स्टूडेंट पास तब माना जाएगा जबकि उसके 100 में 33 एटलीस्ट 33 मार्क्स होंगे। तो कोई बैट्समैन की सेंचुरी तब मानी जाएगी जब एटलीस्ट 100 रन होंगे, जब वो 100 को टच करेगा तो सेंचुरी मानी जाएगी। 102 रन बनाए तब भी हम कहेंगे उसने सेंचुरी बनाई, यानी वो 100 तो कम से कम बनाए, उसके ऊपर बनाए। अगर आपसे कहा जाता है ये बड़ी परेशानी, देखो एटलीस्ट टू पास हो जाए, अगर मेरे बच्चों ध्यान दीजिए एटलीस्ट टू पास हो जाए, सवाल वो कैसे किया जाएगा, एटलीस्ट टू का मतलब आपको रोक के करना होगा। दो पास हो जाए पहले वो केस बना लीजिए, देखो दो पास हो जाए वो केस बना, फिर एक और केस बन जाएगा क्या, दो के आगे क्या आता है बोलो। अरे मैंने कहा एटलीस्ट टू, इसका मतलब एटलीस्ट दो लोग आना यार, दो लोग का मतलब या तो दो लोग आना या तो तीन आ जाना, तो चार। अब तीन जाओगे तो दो तीन से ज्यादा है, पहले दो कोई आ जाए, कोई दो पास हो जाए, एटलीस्ट टू पास हो जाए, पहले दो पास हो जाए, बना लिया। अब उस दो के बाद क्या होगा, तीन पास हो जाए, ये वाला बन गया। सर जी चार पास हो जाए, ये नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि तीन ही लोग हैं। मान लीजिए अगर पांच लोग होंगे तो फिर आपके केस बनेंगे एटलीस्ट टू पर, पहले दो पास हो जाए, रोक रोक के करना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा कि आप एटलीस्ट टू, दो तीन चार पांच, दो पास हो जाए उसके केस बनाओ, फिर तीन पास हो जाए उसके केस बनाओ, फिर चार पास हो जाए उनके केस बनाओ, पांच पास हो जाए उनके केस बनाओ, फिर सब सारे केसेस की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उनको ऐड कर देना, वही एटलीस्ट टू पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये देखिए इसका होगा 1/3, 1/4, 1/5। अब देखो इधर समझो, इस बात को समझिए, बहुत फेमस सवाल है प्रोबेबिलिटी, कभी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाए, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यार जितनी बार तुमने ट्राई किया है और कितने आपको प्रयास मिले, वो आप जो नंबर ऑफ ट्राई आपका ऊपर है और आपका जो टोटल प्रयास वो नीचे लिख देना। एग्जांपल के लिए मैंने कोई टारगेट वहां पे बना दिया, जैसे आपने उसमें देखा होगा मेला में आप बंदूक से मार रहे हो बार बार, आपने 6 गोलियां मारी लेकिन उसमें 2 गोली लगी, इसका मतलब आपका उस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने 6 ट्राई मारा टोटल और कितनी बार है, तो मेरा हिट कर जाएगा, तो हिट कितनी बार किया है, 2 बार, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ऐसी दूसरा लड़का है उसका दिया हुआ यार, उसने 7 बार ट्राई किया और उसका 3 बार लग गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हिट करने की 3/7। दो स्टूडेंट और तीसरा कोई लड़का है, उसने 3 बार हिट किया, उसका 2 बार लग गया, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, यानी 3। ये जानते हो ये तीनों इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। कोई हिट कर रहा है यार, मैंने किसी को बुला लाओ, तुमने उस पर निशाना लगा, इसका लग गया, अब दूसरा आएगा उसका क्या मतलब उससे लेना देना, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूंगा, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, अगर मैंने आपसे बच्चों से कहा कोई दो का निशाना लग जाए तो ये आपके केस बन जाएंगे, ये वाले ये तीन केस बन जाएंगे, लेकिन अगर मैंने कहा एटलीस्ट दो का निशाना लग जाए तो दो का पहले निशाना लग जाए और एक ये वाला बन जाएगा। ये बहुत फेमस सवाल है, आपको मिलेगा सीट में भी मिलेगा, 3 shot out of 5 times, मतलब उसके 3 shot लग जा रहे हैं 5 बार में, 5 बार उसने ट्राई किया, बार बार 5 बार हिट किया लेकिन उसके 3 बार कर गया। अब जैसे एक एनडीए में सवाल लगाया था, किसी बल्लेबाज को 8 बॉलें फेंकी गई, कितनी बॉलें, और 2 बार उसने 6 लगा दिए, तो इसका मतलब उसके 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके आपने कितनी बॉल फेंकी, 8 नीचे लिख दो, कितनी बार 6 लगाया, 2 बार, तो उसके हिट 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। ये हो गया सिंपल एनडीए का क्वेश्चन है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा एक चीज और आपको फील करा दें, क्योंकि देखो इधर मेरे बच्चों आपको बता दे, जब 3 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो ये 3 ज्यादा हो गया, चलो 2 कर देते हैं। अब समझ में आया ना, एटलीस्ट 1 का मतलब समझ रहे हो, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पास हो जाए। अब ये 3 वाला है तो मैं थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, मैं 2 स्टूडेंट में से कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक चीज फील करा रहे हैं आपको, बहुत मजा आ जाएगा। ये देखिए मैंने कहा एटलीस्ट 1 पास हो जाए, पहले एक काम करो, ये दोनों जब एग्जाम देंगे तो क्या सुनने को मिलेगा, आपको कुछ सुनने को मिलेगा, या तो ये सुनने को मिलेगा, या तो ये सुनने को मिलेगा, दोनों लटक गए, या ये सुनने को मिलेगा दोनों पास हो गए, या ये सुनने को मिलेगा कि एक फेल हो गया, एक लटक गया और दूसरा पास हो गया, या ये सुनने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि दोनों पास हो गए।
ये हाँ सॉरी ये बी फेल होगा, सॉरी ये हो गया, ये सुनने को मिलेगा। इनमें से कोई एक ही केस होना है, कोई पिक्चर रिलीज हो रही है उसमें केस फर्स्ट या तो फ्लॉप हो जाएगी, केस सेकंड या तो हिट हो जाए, केस थर्ड या तो सुपर हिट हो जाएगी, लेकिन होना एक ही केस है। ये नहीं होगा कि फ्लॉप भी हो गई, हिट भी हो गई, सब हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक बॉल फेंक रहे उस पर कुछ ही एक ही चीज होगी, या तो सिक्स लगेगा तो फोर लगेगा, केस फर्स्ट या तो सिक्स लग गया। भाई मैंने किसी बॉल को अगर फेंका कर बोलेंगे हम क्या क्या हो सकता है, केस फर्स्ट या तो सिक्स मार सकता है, केस सेकंड या तो चार लगा सकता है, केस थर्ड या तो तीन रन ले सकता है, केस मतलब केस फर्स्ट क्या है। अगर किसी बल्लेबाज को आप बॉल फेंक रहे हैं या तो सिक्स लग सकता है या तो दो रन ले सकता है या तो चार मार सकता है या तो वन रन ले सकता है, केस फाइव तीन ले सकता है या डॉट बॉल हो जाए कोई रन ना लगो, केस सेवन क्या होगा आउट हो जाए, हाँ ये हो सकता है केस सेवन। बस 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 वो सब आ गया, नो बॉल में आ गया। आपने जो भी आज तक मैच देखा होगा पूरे क्रिकेट जब 50 ओवर तक 20 ओवर तक रिजल्ट बदलता रहता है इसलिए मजा आती है। अगर एक ही रिजल्ट रहे तो आदमी बोर हो जाएगा, एक ही गाना हम 10 बार आपको सुनाएंगे आपको बोर लगने लगेगा। है रिजल्ट यही रिपीट होते हैं लेकिन ये बदलते हैं। लूडो के गेम में 6 ही तो नंबर आते हैं बार बार, लेकिन आदमी क्यों बोर नहीं होता, क्योंकि हर बार पता नहीं होता कौन सा नंबर आएगा, तो इसलिए मजा आ जाती है। तो वैसे ही ये आपके सामने इतने केस होते हैं लेकिन होना एक ही है, ऐसा नहीं कि सारे होंगे। आपको ये इसलिए समझाया, देखो इधर ये हो गया, अच्छा ये बताओ, चलो एक मिनट जरा, एक मिनट ये वाला केस हो जाए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 × 1/4 सॉरी ये ना पास हो तो ये कितना होगा, ये एलसीएम लो जरा 2/3 और ये एलसीएम लो तो ये 3 से 3 कैंसिल तो ये P1, इसको P1 कह रहे हैं 1/2। चलो इधर बताओ 1/3 1/4 1/3 1/4 ये P2 हो गया, P2 कितना आ रहा है 1/12। इन एग्जाम्पल को समझ लिया समझ लो, कुछ नहीं प्रोबेबिलिटी पे बचा हुआ, वो घुमा फिरा के कहीं आएगा। एक स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया जाए, दूसरे स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया जाए, एक स्टूडेंट पास हो रहा है, एक लड़का शॉट लगा रहा है, दूसरा लड़का निशाने लगा रहा है, घुमा फिरा के बस वो अलग अलग होंगे सवाल, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट यही चलेगा सब में जो मैं इस सवाल में बता रहा हूं। चलिए भाई ए पास हो जाए, सॉरी ए फेल हो जाए 1 − 1/3 और बी पास हो जाए तो ये कितना होगा बोलो, ये होगा 2/3 × 3 एलसीएम आएगा, 3 में 1 घटाओगे 2/3 और 1/4 है ही तो ये कितना होगा, P3 कितना होगा 1/6। इधर बताओ ये 1/3 और ये ना पास हो 1 − 1/4 और ये कितना होगा 1/3 × 4 एलसीएम आया, 4 में 1 घटाओगे 3/4। अच्छा ये बताइए, पहले अगर मैंने आपसे पूछा, अब मैंने 4 केस लिख दिया, अब मैं जो आंसर पूछूंगा वो बताना। मैंने कहा कोई एक पास हो जाए, सॉरी दोनों फेल हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ए पास हो जाए बी फेल हो जाए 1/6। अब देखो आप एक ही केस पे नजर जा रहा, एक ही केस पे आपको नजर आ रहा, क्योंकि हमने बता दिया फेल हो जाए या पास हो जाए तो वही तो हुआ, केवल उसको निकाल लो इंटू करके। अगर हमने कहा ए पास हो जाए बी फेल हो जाए, कोई एक पास हो जाए, इधर देखो कोई एक पास हो जाए तो ये क्या होगा 1/6 + 1/4 तो ये 12 एलसीएम आएगा, 12 का मल्टीप्लाई करो 2, 12 का मल्टीप्लाई करो 3, कितना होगा 5/12 ये हो गया। लेकिन हम इसमें ये केस नहीं बनाएंगे, केवल वही केस बनाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, कोई एक पास हो जाए तो यही वाला। सर चारों क्यों बना दी, वो हम समझाना चाह रहे कि यही चार में से एक चीज सुनने को मिलेगी। अच्छा अगर मैंने कहा कोई एक पास हो जाए, आपने वो कर दिया। अगर मैंने कहा एटलीस्ट वन पास हो जाए, एटलीस्ट वन पास हो जाए, पहले कोई वन पास हो जाए ये वाले केस, फिर दोनों पास हो जाए, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो 1/12 1/6 + 1/4 तो कितना होगा 12 एलसीएम, 12 गुणा 1, 12 गुणा
दो और ये कितना होगा, तीन, तीन और दो पाँच और छः, वन बाई टू आ रहा है। अरे आ रहा है। आप बच्चों को एक चीज़ बताए, अगर मैंने कहा इनमें कोई एक केस हो जाए, सर इनमें तो कोई एक होना है, तो ज़रा सबको ऐड करके देखो, ज़रा ऐड करके देखो, वन बाई टू प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई फोर, तो बारह एलसीएम आया, बारह का मल्टीप्लाई छः, वन दो तीन, छः एक सात और दो नौ, नौ तीन बारह, बारह, अरे वन आ रहा है, क्योंकि इनमें से एक केस होना ही है। ये हम फील कराना चाह रहे, देखो केस को जोड़ने से ये तो बना, होना एक ही चीज़ है, जैसे आप कोई बॉल कराते हो, लूडो खेल रहे हो, आना एक ही है, लेकिन उन छः में से कोई एक आएगा, बार बार रिजल्ट बदल रहा है, हर बार चाहे जितनी भी बार भी कोई, चाहे हजारों करोड़ों बार लूडो खेला गया हो, लेकिन इन्हीं छः में से कोई नंबर बार बार बदलता रहता है। अब आपको अगर मैंने कहा एटलीस्ट वन पास हो जाए, याद रखना एटलीस्ट वन वाले सवाल के लिए, एटलीस्ट टू वाले के लिए नहीं बोला, एटलीस्ट वन वाले के लिए एक गजब का फंडा आपको बता रहे हैं। आपको जब भी कहा जाता है एटलीस्ट वन हो जाए, यानी एटलीस्ट वन पास हो जाए, आप एक काम करना, एक केस निकाल लेना, केवल कौन सा, कोई पास ना हो पाए वो सारी इवेंट ना कर करे, और वन माइनस वन बाई टू कर दो, तो बचा हुआ जो होगा भाई ये हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, अब ये ना हो यानी वो एटलीस्ट वन हो, यही तो होगा फिर, अगर ये हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू, अब ये ना हो तो ये वाला होगा फिर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें कहा जाता है एटलीस्ट वन अकर करे, तो आप ये याद रखना, बोलो नहीं, आप क्या करना, कोई ना अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना और वन में माइनस कर देना, वो एटलीस्ट वन अकर करने। आप खुद बताइए भाई, आप ये बताइए, दस इवेंट है मान लीजिए, तो दस इवेंट ऐसा भी हो सकता है दस हो ना हो, बस वो एक ही केस होगा, बाकी हर बार, अब आप कह रहे हो कम से कम एक हो, तो एक हो रहा है, दूसरे भी हो, दो हो रहा है, तीन हो रहा है, चार हो, तो एक ऐसा केस है जिसमें कोई नहीं हो रहा, उसको निकाल के वन में माइनस कर दो, वो क्या होगा, एटलीस्ट वन अकर करने की प्रोबेबिलिटी होगी। और याद रखना बेटा, हम यूनियन का जो सिंबल होता है यहां पर, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन अकर करना, ठीक है, एटलीस्ट वन अकर करेगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, वो हमेशा याद रखना एटलीस्ट वन अकर करेगा। अगर ये आपकी इवेंट्स है, इसकी अकर करने की प्रोबेबिलिटी पी वन, और इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी पी टू, और ये पी थ्री, अगर मैंने यहां पर कहा, यहां पर ये कहा, यहां पर अगर ये कह दिया ई फोर डॉट 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 ई एन, अगर मैंने आपसे कहा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आई ई लिख रहे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर मैंने कहा एटलीस्ट वन, ये एटलीस्ट वन अगर करे इसकी प्रोबेबिलिटी, जिसे हम यूनियन करके दिखाते हैं, यूनियन मतलब यही है एटलीस्ट वन अकर करे, तो यहां पर क्या हो जाता है, बोलो, यहां पर हो जाता है वन माइनस कोई ना अकर करे, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी थ्री, ये फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो आप, कोई इवेंट ना करे। लेकिन अगर एटलीस्ट टू बोलेगा उसमें केस बनाना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने तीन लोग कहा, तीन लोगों को पास होने की प्रॉबिलिटी आपको अलग अलग गिवन है, और अब आपको कभी भी ये नहीं पूछना कि सर वो इंडिपेंडेंट होंगे, कभी कभी लिखा होता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन नहीं लिखा है तो याद रखना पास होना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब इंडिपेंडेंट है, दौड़ लगाना उसमें विनर बनना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, कोई भी घोड़ा दौड़ रहा है उसके जीतने का जो विन करने की प्रॉबिलिटी है, दूसरे घोड़े के विन करने की जो प्रॉबिलिटी है, वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, एक विन करेगा बाकी नहीं करेंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन अगर करेगा इसके लिए क्या होगा, कोई ना अगर करे, देखो भाई इवन ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन माइनस बी वन इन टू ई टू ना कर करे, वन माइनस पी टू, और ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और एटलीस्ट वन अगर करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यूनियन करके दिखाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एटलीस्ट टू जो वर्ड प्रयोग कर रहे हैं हम, इससे घबराना नहीं है, एटलीस्ट टू मतलब पहले टू, टू मतलब टू कोई इवेंट हो, इसको रोक के करना पड़ेगा, टू कोई इवेंट हो उसके सारे केस बना दीजिए, फिर उसके बाद तीनों इवेंट्स, क्योंकि दो जब एटलीस्ट टू बोल रहा है तो दो से तो ज्यादा ही होंगी ना इवेंट, तीन इवेंट होंगी, तो एक बार दो इवेंट हो जाए उसके केस बनाए, फिर लास्ट में एक और केस, तीनों इवेंट हो जाए, फिर जितने भी केस है उनको ऐड करना, ध्यान रखना उन सबको ऐड कर देना, वही उसका फाइनल आंसर। लेकिन एटलीस्ट वन वाले सवाल में कि कोई चीज एटलीस्ट वन अगर करेगा, तो इसको करने का एक ही तरीका है बेस्ट, क्या करें, कोई ना हो
उन सारी बैंड में कोई भी ना हो उसको निकाल के वन माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन से यहाँ पर जो है होल्डर लगा दी इस तरीके से, ऐसे लाइन से जैसे शादियों में लगते हैं, ठीक है, टेंट लगाए तो रोड लगे हुए लगातार ऐसे ही होल्डर लगा दिए, खूब सारे 40 तक लगा दिए, सब में मैंने क्या कर दिया, बल्ब लगा दिए, ध्यान दीजिए, और सबके नीचे यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर एक ऐसे ही स्विच डाल दिया, उस पर क्लिक करोगे वो वाला जलेगा, ठीक है, ये आपने इस तरीके से लगा दिया। अब ये बताइए, आपको मुझे ये बताना होगा, एग्जाम्पल के लिए ये बिल्कुल अंधेरा है इस कमरे में और एक भी हल्का सा जले कम से कम कुछ तो थोड़ा बहुत दिखेगा, तो अगर मैंने कहा इस कमरे में प्रकाश कब होगा यानी लाइट कब होगी, जब आप एटलीस्ट वन स्विच ऑन करें, क्या सही बात है? लाइट कब नहीं होगी? जब आप कोई स्विच ऑन ना करें। तो एटलीस्ट वन का मतलब फील करो, चाहे आप चार स्विच पे क्लिक कर दो चाहे पांच पे क्लिक कर दो, मेरा कहने का मतलब एटलीस्ट वन स्विच जब ऑन होगा तब आपकी इस कमरे में रोशनी होगी, उजाला हल्का होगा। लेकिन कई सारे बल्ब को ऑन करने लगोगे तो ये कह सकते हैं कि हाँ लाइट की जो इंटेंसिटी है यानी जो पावर है वो बढ़ने लगेगी, लेकिन रोशनी होगी, उजाला होगा, वो एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट का फील करा रहे हैं हम आपको। एटलीस्ट टू का मतलब क्या हुआ, दो हो जाए या दो से ज़्यादा, तो दो हो जाए ऐसे सवाल प्रॉबिलिटी में आपको कभी भी तीन इवेंट्स जरूर दिए होंगे, तीन ही इवेंट्स देता है और ये कहेगा एटलीस्ट टू हो जाए, तो आपको रोक के करना है, पहले दो हो जाए उसके केस आराम से बनाइए, फिर तीन हो जाए उसके केस और फिर सबको ऐड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से हो गया क्लियर? देखिए इधर, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप जैसे देखिए इधर देखिएगा, ये जो बात आपको बताई गई है, आपसे अगर मैंने ये बात कही कि भैया इवन इवेंट से नोट करके लिखे, इसकी इवेंट के करने की प्रोबेबिलिटी पी वन, इससे अगर करने की प्रोबेबिलिटी पी टू, ठीक है, अगर मैंने कहा कोई एक हो जाए, कोई एक इवेंट हो जाए, और अभी मैंने कहा था इंडिपेंडेंट इवेंट से, कैसी इवेंट से, अगर कोई एक हो जाए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आपने क्या कहा सर P1 प्लस P2 ना करना क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो मैंने कहा कैसे करें, आपने कहा सर केस बना ली, मैंने कहा जरा बेटा बना दो आंसर, आपने कहा सर केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट क्या होगा बोलो, केस फर्स्ट क्या होगा, इवन होगा, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं एग्जैक्टली वन अकर, ये भी तो बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन अकर की प्रोबेबिलिटी, इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी पी वन, इसके वन माइनस पी टू हो जाएगा पी डैस, दूसरा केस क्या बनेगा, ई वन ई टू हो जाए, ई टू ना हो, तो ये हो गया वन माइनस पी वन और ये हो गया पी टू, ये हमारा पी डबल डैस, और उसके बाद आपने सर जी कहा था दोनों केस को ऐड कर देना तो किसी एक के होने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी, पी वन वन माइनस पी टू प्लस वन माइनस पी टू और इंटू पी टू, तो P1 माइनस P1 सॉरी P1 का मल्टीप्लाई फिर दूसरे वाले में P1 P2 प्लस P2 का मल्टीप्लाई माइनस ये P1 होगा ना, इधर देखो बोलो नहीं P1 P2, तो यहां पर लिख सकते हैं P1 प्लस P2, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये डबल हो गया, ये हम हमारे पास रास्ता है, ये कुछ नहीं याद करो, लेकिन हमने एक चीज लिख दी, लेकिन अगर यहां पर ये बात आती है जब ये चीज होगा बेटा ध्यान दीजिए, ये आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तब के लिए है, इनमें कोई एक अकर करेगा जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वन अकर की प्रोबेबिलिटी होगी, एग्जैक्टली वन अकर की प्रोबेबिलिटी होगी पी, ठीक है, मान लीजिए सेकंड केस, सेकेंड मतलब पॉइंट है एनी टू इवेंट्स, इधर देखिए एनी टू इवेंट्स, अब नहीं कहा है, अब आपके सामने दिक्कत है कि एनी टू इवेंट्स
का मतलब है ये कोई दो घटनाएं, लेकिन ये नहीं है कि स्वतंत्र है, कुछ भी है। तो अब हम यहां पर कैसे निकालें कोई एक अगर कट जाए, तो इसमें भी केस बनेगा कि भाई क्या होगा, केस क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है E1 हो जाए लेकिन E2 ना हो। तो ये हो जाएगा P1 और ये 1-P2, लेकिन ये जो फंडा है गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। N2 नहीं कर सकते हो बेटा, N2 इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। E1 हो ना हो, इंडिपेंडेंट होगी तो गुणा लगा दीजिए, जैसा चाहते हो वैसे करने के लिए गुणा लगाना है, मिनटू कर लेना है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है E1 हो और E2 ना हो, ये तो हो गया, ये तो है मतलब, ये ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। तो कुछ याद करो, कुछ बताया था, कुछ फॉर्मूला था इसका, दूसरे तीसरे नंबर की लिस्ट देखो, जिस पे बार नहीं उसका उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और केस सेकंड क्या होगा बोलो, एग्जैक्टली वन हो तो केस हमेशा बनेगा, लेकिन इस केस को निकालने की प्रोबेबिलिटी वो नहीं होगा इनटू करने वाला सिस्टम, बाकी केस ही बनेगा क्योंकि कह रहा है ना कोई एक हो जाए, तो भाई उसके लिए तो केस ही बना, एक होने मतलब ये हो जाए वो नहीं हो, या ये वाला हो जाए और ये ना हो, इसको हम ऐसे सिंबल दे सकते हैं, E1 ना हो और E2 हो जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। इधर देखो बेटा, अब दोनों केस को ऐड कर दो, वन अकर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, इन दोनों केस को ऐड करो जरा, कितना होगा, PE1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस कितना होगा, PE1 बार इंटरसेक्शन E2। अब ये कितना है, ये वाला फॉर्मूला रखो, कितना रखा था, PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, और ये कितना है बोलो नहीं जरा, और ये होगा PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो यहां पर फाइनली इधर आ जा रहे हैं ऊपर, एग्जैक्टली वन अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो, PE1 प्लस PE2 माइनस 2 टाइम्स PE1 इंटरसेक्शन E2। देख लो दिखाई दे रहा उसमें, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो चेक करो, देखो ये हो गया, देखिए आ गया, देखो इसका मतलब ये हुआ, यार बच्चा हमसे बोल रहा है सर जी ठीक है इंडिपेंडेंट में आप निकाल लोगे, लेकिन सर ये बताइए अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मैंने कहा क्या हो, एनी टू इवेंट्स मतलब कैसी भी हो, इंडिपेंडेंट हो म्यूचुअली सबके लिए लग जाएगा, एनी टू का मतलब ये हो कैसी भी हो दो इवेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए ये तरीका, लेकिन बेटा कैसी भी इवेंट्स होगी उसमें भी केस बनेगा। अरे आप बोल रहे हो एक हो जाए तो केस तो बनाना ही पड़ेगा, एक हो जाए मतलब इवन हो जाए, E2 ना हो, लेकिन उसको निकालने का स्टाइल ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इनटू साइन नहीं लग पाएगा। तो सर फिर क्या करें, तो हमारे पास मालूम है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं उस वाले फॉर्मूले निकाले, वो जो हमने 9 फॉर्मूले लगाए थे वो किसके लिए थे, फॉर एनी टू इवेंट्स, उसकी ऊपर वाली लाइन में लिख लीजिएगा, लिखा था याद करिए, फॉर एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो घटनाओं के लिए। तो यहां पर आपका ये लग जाएगा। अच्छा ये देखिए सर जी जरा करिए जरा, कोई एक हो जाए सर जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा, अच्छा ये बताओ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा इन दोनों में कोई एक हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी मान लीजिए, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है वही कि नहीं दे रहा, तो इन दोनों में कोई एक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, P1 प्लस P2 होगा कि नहीं होगा। तो देखो आ तो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी P1, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, और हम जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बन रहा है। सर जी जरा इंडिपेंडेंट के लिए चेक करिए, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी तो ये आना चाहिए आंसर। तो जरा ये बताओ अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, PE1 इंटू PE2, और आप अच्छे से जानते हैं ये P1 प्लस P2 और माइनस 2P1P2, देखो इसकी प्रॉपर्टी, अरे आ रहा है बोलो, इसका मतलब ये हुआ कैसी भी दो इवेंट है एग्जैक्टली वन अकर करे उसका फॉर्मूला ये बन गया, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जब इंडिपेंडेंट बोलेगा तो हम इसमें जाएंगे नहीं, अपने स्टाइल से कर लेंगे, लेकिन एनी टू इवेंट्स का मतलब अब नहीं दिया है भाई, जैसे कोई सवाल में रेक्टेंगल बोला है तो आप फिर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो आप रेक्टेंगल नहीं लोगे, पैरेललोग्राम नहीं लोगे, ये चीज फॉर ए क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो फिर क्वाड्रिलेटरल ही होगा, मतलब आप इवेंट बोल रहे हो दो हैं तो आप कैसे ले लोगे इंडिपेंडेंट, आपको अगर वो सवाल में बोलेगा इंडिपेंडेंट तब लोगे ना उसको, अगर सर जी ना हो इंडिपेंडेंट तो मुझे कोई रास्ता बताए, तो उसके लिए मैंने तरीका बता दिया ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये जो सवाल है सर जी अगर मुझे
ये क्वेश्चन दिया हो, E1 हो E2 ना हो, इसको कैसे निकालें अगर इंडिपेंडेंट ना हो, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना। हर रास्ता अब आपको बता रहे हैं, बस आपको वो पॉइंट क्लियर करना है जो एटलीस्ट वन बोला जाता है, एटलीस्ट टू बोला जाता है। एटलीस्ट वन वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें केवल क्या निकाल लो, कोई ना हो वन में माइनस कर दीजिए, और एटलीस्ट टू में केस बनाना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कोई भी दो इवेंट्स में, कोई एक इवेंट हो, तो आप तरीका समझ गए हैं, बहुत आसान है। इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सीट का क्वेश्चन देंगे, ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका 26 दिख गया है, उसको थोड़ा हमने और मॉडिफाइड कर दिया है। इन चार में से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा इन चार में, जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जरा देखो बेटा, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है, जरा समझिएगा बिल्कुल, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, वन हिट द टारगेट। अच्छा ये भी लिख सकता है ए हिट द टारगेट, इसका मतलब बी और सी ना हिट कर पाए, इसका साफ साफ मतलब यही है, तीनों ने एक साथ उसको मतलब शॉट लगाया, और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, वन हिट द टारगेट मतलब केवल एक का हिट हो जाए टारगेट। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं बताया किसका हिट, तो ए हमारी कौन सी इवेंट है बेटा, इसका मतलब है ए हिट द टारगेट, बी क्या है द टारगेट, और सी क्या है, सी हिट द टारगेट। ये हमने थोड़ा डिटेल में समझा दी भाई, ए का मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए जो है निशाना लग जाएगा, इसे का निशाना लग जाएगा, उसको ए नाम दे रहे हैं, बी का निशाना लग जाएगा तो ये बी नाम दे रहे हैं। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, कितनी बार उसने शॉट लगाया, पांच बार, और कितनी बार लगा, चार बार। बी का निशाना लग जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कितनी बार प्रयास किया, चार बार, कितनी बार लग गया, तीन बार, चार शॉट में तीन बार उसका लग गया निशाना। और सी का, सी का कितना है बोलो, यहां पे कितना लिखा है, थ्री लिखा है, तो टू बाई थ्री। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहां पर केस फर्स्ट देखो, इधर ए बी और सी, एक हिट कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ऐसे भी लिखा, ऐसे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा, फोर बाई फाइव, ये कितना होगा, डायरेक्ट ना लिखना वैसे लिखना, वन माइनस थ्री बाई फोर इंडिपेंडेंट है, और ये कितना होगा, वन माइनस टू बाई थ्री, ये हमारा पी वन कैलकुलेशन करेंगे, फोर बाई फाइव तभी आगे बढ़ेंगे, और ये चार एलसीएम लोगे, चार में तीन घटाओगे एक बटे चार, तीन एलसीएम लोगे तीन ऊपर आएगा दो माइनस होगा वन बाई थ्री, ये फोर से फोर कैंसिल, तो ये हो गया वन बाई फिफ्टीन। मतलब ये एक सवाल नहीं है, चार क्वेश्चन है, इन चार क्वेश्चन को मैंने एक साथ बना के लिख दिया कि शुरुआत का सब में सेम रहेगा, केवल वो जो फाइंड करना है वो चेंज हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हिट द टारगेट, एक चीज पूछी जाएगी इसमें। अब ये हम आपको चारों बता दिए कि चार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, वन बाई फिफ्टीन हो गया, केस सेकंड क्या होगा बोलो। अब हम धीरे से अपना टिक आगे बढ़ाएंगे, इससे बहुत आराम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और सी, ये और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फंडा है भाई, टिक लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब वो सिंबल टिक बता रहा है होगा, और क्रॉस बता रहा है नहीं होगा, यानी इसका निशाना नहीं लगेगा, इसका लगेगा, इसका नहीं लगेगा, एक का लग रहा है ना, तो ये कितना होगा, ये होगा वन माइनस फोर बाई फाइव, ये हिट कर देगा थ्री बाई फोर, ये हिट नहीं कर पाएगा वन माइनस टू बाई थ्री, ये हमारा पी टू हो जाएगा बेटा। जब पांच एलसीएम लोगे तो पांच, और पांच ऊपर गया चार माइनस होगा वन, चार तीन, ये तीन एलसीएम आया, तीन ऊपर गया दो माइनस होगा एक, थ्री से थ्री कैंसिल,
तो पी टू हमारा हो जाएगा 1/20, चार पांच में चार का मल्टीप्लाई 20। केस थर्ड होगा मेरे बच्चों, यानी अब आपका ये टिक यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कितना होगा, कितना होगा बोलो, इसका निशाना ना लग पाए 1-4/5, और इसका भी निशाना ना लग पाए तो 1-3/4, और इसका निशाना लग जाए 2/3। ये कोई दिक्कत नहीं, आप ये ना सोचना कि सर ये एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना समझदार हर कोई जानता है कि टिक लगाने का क्या मतलब है। टिक लगाने का मतलब ये हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका P3 हो गया। तो P3 कितना होगा बोलो, 5 LCM आ गया, तो ये 5 में 4 माइनस होगा 1, ये 4 LCM लिया तो ये 4 में 3 घटेगा 1, ठीक है, और ये 2/3, तो ये 2 × P3 कितना होगा 1/3, जरा चेक कर लो, इतना ही आ रहा है, बन गए सारे केस। अब और है, और कहीं टिक जा सकता है, तीन ही तो चीज़ें हैं, तीन ही टिक लगा पाओगे, एक बार ए पे टिक लगाओगे, एक बार बी पे टिक लगाओगे, एक बार सी पे टिक लगाओगे, जिस पे टिक लगे बाकी दोनों पे क्रॉस लगेगा, क्योंकि एक ही का हिट कर रहा है बाकी का नहीं कर रहा। तो इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा P1 + P2 + P3। तो यहाँ पर P1 आपका है 1/15 और P2 हमारा है बेटा 1/20 और P3 हमारा है 1/30। तो ये आपने इधर देखिए एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम, 30 तो एलसीएम नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना एलसीएम, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, जिसका एलसीएम 60 का मल्टीप्लाई पहले वाले में करोगे 4 बार कटेगा, 60 का मल्टीप्लाई 3 बार, 60 का मल्टीप्लाई 2 बार, 4 × 3 = 7 / 2 = 9/60, यानी यहाँ से कह सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो इसकी प्रॉबेबिलिटी हो गया कि किसी एक का हिट करेगा, वन हिट द टारगेट का मतलब है, इसका आंसर ये होगा। हमने सवाल एक ही दिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और वो केवल एक ही है, कभी कभी ये सवाल आ गए एटलीस्ट इन चार में, और कोई नहीं क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। अब देखो इसी सवाल में अलग सवाल बनेगा, वो लगेगा तुम्हें अलग है, अब हम उसकी कहानी अलग बदल देंगे, लेकिन फंडा वही रहेगा, हम उसको हिट द टारगेट की जगह हम कह सकते हैं कि भैया एक स्टूडेंट है उसके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने प्रॉबिलिटी इतनी है, दूसरा स्टूडेंट उसी क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉबिलिटी इतनी है, तीसरा स्टूडेंट उसको सॉल्व करने प्रॉबिलिटी इतनी है, अब हम कहेंगे एटलीस्ट 2 सॉल्व कर लें प्रॉब्लम, तो वो समझ जाना क्या मतलब है उसका, ठीक है, ये आपको क्लियर कर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया टू हिट द टारगेट। अच्छा, टू हिट द टारगेट में क्या करें, इसी में बना लेना, मिटाने जरूरत नहीं, एक काम करें, 2 हिट करने का मतलब क्या हुआ, एक बार क्रॉस लगेगा, यहीं से कर लेते हैं, 2 हिट कर ले मतलब आपने बताया नहीं, तो हम 2 पे टिक लगाने के दिमाग नहीं लगाए, हम एक पर क्रॉस, 3 ही लोग हैं तो इसका मतलब एक पे क्रॉस दिमाग लगाओ, इस क्रॉस को धीरे धीरे यहाँ बढ़ाओ, फिर यहाँ पे आएगा, 3 ही लोग। तो ये आपका इसकी प्रॉबिलिटी 4/5, इधर कितना होगा 3/4, इधर कितना होगा 1-2/3, इसकी प्रॉबिलिटी P1 हो गया, तो ये होगा 4/5 × 3/4 × ये कितना होगा 3 LCM ले लिया, 3 और 2 घटाओगे 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो P1 होगा 1/5। अब ये क्रॉस आपने यहाँ पे बढ़ाया तो 2 पे टिक लगा दीजिए, यानी 2 हो रही ना, 2 हिट कर रहे हैं टारगेट, तो इसका मतलब तीसरा नहीं कर पा रहा है, तो बी पे क्रॉस लगा दिया, ये हिट कर लेगा 4/5, ये नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा 1-3/4, और इधर कितना होगा बच्चों C2/3, तो ये हमारा P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, इधर 4 LCM लिया तो 4 में 3 घटाओगे 1 और 2/3, ये 4 से 4 कैंसिल, तो P2 हो जाएगा, चेक करते रहना जरा बताना हमें गलत तो नहीं कहीं, 2/15, ये 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 15, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, अब ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा तो इन दोनों पे टिक लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये ना हो 1-4/5, डी कितना होगा 3/4, सी कितना होगा 2/3, तो ये P3 हो गया, तो ये 5 LCM आएगा, 5 ऊपर 5 में 4 गया 1 × 3/4 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 4, तो P3 हमारा होगा 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, तो हमारे तीनों केस को ऐड कर दिया जाएगा, P1 है 1/5, P2 है 2/15 और P3 है 1/10, और ये हमने
30 एलसीएम लिया, 30 का पहले वाले मल्टीप्लाई 6, 30 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई 15, 2 दुनी 4, 30 का मल्टीप्लाई 3, 6, 10 और 3, 13, ये हो जाएगा 13/30। 2 हिट कर लेंगे टारगेट को, इसकी प्रॉबिलिटी ऑल हिट द टारगेट। तीसरा क्वेश्चन, ऑल हिट द टारगेट का मतलब हुआ एक ही केस बनेगा, इसमें केस बनाने की जरूरत नहीं। इसकी प्रॉबिलिटी 1/4/5, इसकी प्रॉबिलिटी 3/4, इसकी प्रॉबिलिटी 2/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 ऑल हिट द टारगेट, इसकी प्रॉबिलिटी होगी 2/5। अब जरा समझ लीजिए, अब आपसे क्वेश्चन में इसको जरा समझो, इसीलिए मैंने इधर मिटाया नहीं। एटलीस्ट 2 हिट द टारगेट हो जाएगा, अरे हो जाएगा बोलो। एटलीस्ट 2 हिट द टारगेट का मतलब पहले 2 हिट द टारगेट वो केस बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक केस और ऐड कर दे रहे, ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर देने फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के जो शुरुआत के 3 केस इसके आइडेंटिकल रहेंगे और केस फोर्थ चेंज हो जाएगा कि तीनों हिट कर लें टारगेट को, ए बी और सी। इसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5, 3/4 और 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2/5। अब फाइनली सारे केस को ऐड कर दीजिए, P1+P2+P3+P4। आदत में इसको लेकर आना है आपको कि केस बनाने के बाद सर जी ने बताया सारे केस को जोड़ दो, वही उसका आंसर हो जाता है। P1 होगा 1/5, P2 हो जाएगा 2/15, P3 हो जाएगा 1/10, 2/5, LCM आएगा 30, 30 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 30 का मल्टीप्लाई करो 2 काटेगा, 2 दुनी 4, 30 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 30 का मल्टीप्लाई करोगे 6 दुनी 12, और ये कितना होगा 15 4 19 19 और 6 25/30, 5/6। बहुत हाई चांस है इन दोनों में से कम 2 का निशाना लग जाएगा। 5/6 आने का मतलब 6 0.8 यानी 1 के करीब है, इसका मतलब बहुत अच्छा चांस है निशाना लग जाए। और एक चीज़ आपको बता दें, परसेंटेज कभी कभी कोई क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे मैंने कहा 20% निशाना लगने, अरे परसेंटेज में जब हम बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी में बदल सकते हैं, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी, यानी वो 100 बार में 20 बार उसका निशाना लग रहा है। परसेंटेज वाले सवाल को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लो, किसी प्रोबेबिलिटी का मान लो किसी ने कहा कि व्हाट, जैसे मान लीजिए क्या एटलीस्ट 2 हिट कर दें इसका क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे आप, अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हो पहले प्रोबेबिलिटी 1/5 ये प्रोबेबिलिटी है, मान लो इन व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद 100 का मल्टीप्लाई कर देना, देखो वापस आ गया, देखो 20%, ठीक है 20%। जैसे ये भी एक सवाल देखो ऐसा भी होता है, ए सच बोल रहा है, इसकी परसेंटेज 20% चांस है, बी किसी स्टेटमेंट उसी फैक्ट को बोल रहा है उसके चांस इतने 70%, जो भी दिया हो बेटा आप ये बताइए, मैं आपसे सच बोला, कोई किसी से सच बोल रहा है और दूसरा वो सच बोलेगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, एक कानपुर से बोल रहा है दूसरा मान लीजिए उत्तराखंड से बोल रहा है, तो एक ही बारे में बातचीत बोले, वो कुछ ऐसा कह रहा कि ये होना चाहिए, दूसरा का वो पता नहीं क्या है उसका रिप्लाई कर दे, ठीक है। तो वो होता है इंडिपेंडेंट, ए स्पीक ट्रूथ इफेक्ट, ये क्वेश्चन अगर आता है ये समझ लीजिएगा कि आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा, कोई अगर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, दूसरा जो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अगर आपसे मैंने कहा कि इसकी क्या प्रॉबिलिटी है, दोनों अपनी बात में एग्री हो, एग्री का मतलब होता है, एग्री होने का मतलब क्या होता है, एग्री होना, और एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट, इन दोनों का क्या सेंस है बताओ। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, मैं सच बोल रहा हूँ दो केस बनेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोला मैं झूठ बोल, और एग्री करने का मतलब दोनों सच बोल रहे, मतलब वो सच बोला तो मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ, ये होता है एग्री करना, सच सच नहीं होता, जो भी होगा तुम दोनों के साथ एक जैसा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों फेल होंगे या तो दोनों पास होंगे, ऐसे हम उदाहरण दे रहे, एक जैसा मतलब होता है एग्री, चलो देख लिया जाए कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन हो गया, अच्छा ये बताइए बेटा एक मिनट जरा सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में, इधर देखिए बेटा
इसको समझना। इधर देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है, जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया, मान लो इधर देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि भाई इधर इस सवाल में एक चीज और है, सब कुछ दिया हुआ है शुरुआत में, लास्ट में पूछ लग ये कहा किसी एक का निशाना लग जाए समझ गए केस बनना है, दो का लग जाए समझ गए, एटलीस्ट टू का लग गए समझ गए। अब मान लीजिए हमने कहा निशाना लग जाए, बस इतना बोला निशाना लग जाए, मतलब तीनों ने प्रयास किया टारगेट हिट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब ये बड़ा समस्या नहीं आ रही, क्या बोला गया टारगेट हिट कर जाए। इधर सुनो, इधर जैसे होता है, अभी एक लाइन लिखी थी ऑल हिट द टारगेट, यानी सबका निशाना लगे। अब मैंने कहा कि टारगेट हमारा भाई तीनों ने प्रयास किया उस पर तीनों निशाना लगा रहे हैं, टारगेट हिट हो जाए इसकी क्या प्रॉबिलिटी। बेटा एक चीज़ बताइए आप, अभी मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने यहाँ पे 40 होल्डर लगा दिए, मैंने कहा रोशनी कब आएगी, आपने कहा कि सर आप, मैंने कहा उजाला होगा, ये एक वर्ड हमने सेंटेंस का उजाला होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एटलीस्ट जब वन आपका क्या होगा स्विच ऑन होगा तो उजाला होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा एक चैलेंजिंग सवाल लिख रहे हैं, जरा देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अब अगर मैंने सब बच्चों को क्वेश्चन दिया, मैंने कहा सॉल्व हुआ, यहाँ पर एक सेंटेंस बोला गया, जरा पांच लोग हाथ उठाओ, कोई भी उठा दो हाथ, उछा लो, हाँ देखो ये हुआ, हाथ नीचे करिए, अब कोई ना उठा। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मान लीजिए किसी का नहीं उठा, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व। अगर एक का भी, बेटा तुम उठाओ केवल हाथ, आशीष, हाँ ये अमन, अब देखिए इन्होंने हाथ उठाया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सबका ध्यान इसका मतलब हो गया। मैंने ये पूछा कितने लोगों से हुआ, ये नहीं पूछा, अगर मैंने पूछा कितने लोगों से, तब मैं हाथ काउंट करूँ। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो इसका मतलब एटलीस्ट वन हाथ भी उठेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो कभी अगर क्वेश्चन में दिया एक है सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी 1/3, और अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा प्रश्न के हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब बड़ा समस्या नहीं आ रहा, क्या करें। अरे बेटा प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब यही है एटलीस्ट वन सॉल्व कर ले, उसी को कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये आपको जरा समझना है, ये कभी क्वेश्चन में आ जाता है प्रॉब्लम इज सॉल्व, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम हल हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी यही प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, अभी मैंने कहा ना दिया, किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक एग्जांपल दे रहे थे कि किसी से हुआ तो कोई नहीं बता पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैंने आप बच्चों से, देखो इधर, अगर मैंने आपसे पूछा एकदम से बताना, तुरंत बताना साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए जल्दी से बताइए, साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए, एक लोग का, इसका मतलब जानता है कोई, इसका मतलब जानता है। चलिए साइन 46 डिग्री की वैल्यू कोई जानता है, अब नहीं हाथ उठा, इसका मतलब यहाँ पर अगर किसी भी एक बच्चे का, इसका मतलब कोई जानता है। यहाँ पर जरा समझिएगा बात को, समझिए उजाला होने के लिए, उजाला होगा ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है तुम यार एटलीस्ट वन स्विच ऑन करो। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब चाहे तीनों लोगों ने हाथ, तीनों का टारगेट पे हिट गया तब भी हिट हो गया, टारगेट हिट होने का मतलब होता है एटलीस्ट वन का तो हिट हो, दोनों का हो गया भैया, हो तो क्या हिट, तीनों का हो गया, नहीं हुआ तो सर अब नहीं हुआ हिट, हिट टारगेट होने का मतलब है एटलीस्ट वन को ही हिट कर जाए। तो ये आपको समझना होगा। आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं, और वो क्वेश्चन आपको एक सिंगल सीट जो मिली थी IIT का क्वेश्चन, इधर निखिल देखो भाई, बेटा देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए इसमें इंडिपेंडेंटली कहा है, ठीक है इंडिपेंडेंटली, स्पेलिंग ठीक है ना इंडिपेंडेंट की, ठीक है वो अगर नहीं भी दिया स्वतंत्र रूप से कह रहा है, इंडिपेंडेंटली का मतलब हुआ स्वतंत्र रूप से। तो ए सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं, चार लोग हैं, चार पर्सन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एटलीस्ट वन के द्वारा, तो आ जाएगा, अरे आ जाएगा, बोलो क्या होगा, 1 - P1, 1 - P2, 1 - P3, 1 - P4, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा नहीं लग जाएगा,
कोई ना सॉल्व कर पाए, ए नहीं सॉल्व, ए सॉल्व कर ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं सॉल्व कर पाएगा 1-P1। दूसरा वाला सॉल्व कर लेगा 3/4, नहीं सॉल्व कर पाएगा 1-। सर इनटू करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई हम चाहते हैं चारों ना सॉल्व कर पाए, और वो सब इंडिपेंडेंट है, तो इसका मेजरमेंट इनटू करके हो जाएगा इंडिपेंडेंट में। और तीसरा वाला ना सॉल्व कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब सॉल्व कर लेगा 1/4, ना सॉल्व कर पाए 1-P3। और ये सॉल्व कर लेगा चौथा वाला पर्सन, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ना सॉल्व कर पाए 1-P4। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 1-1-P1 कितना होगा 1/2, 1-P2 कितना होगा 3/4, 1-P3 कितना होगा 1/4, 1-P4 कितना होगा 1/8। तो ये हो जाएगा 1-2 LCM आएगा मेरे बच्चों, 2 में 1 घटाओगे 1, 4 LCM आएगा, 4 में 3 घटाओगे 1, 4 LCM आएगा, 4 में 1 घटाओगे 3, 8 LCM आएगा, 8 में 1 घटाओगे 7। तो यहाँ पर मेरे बच्चों कितना होगा 1-7 में 3 का गुणा 21, बाकी तो कुछ है नहीं, 1 के साथ गुणा होगा, 1 ही वही रहेगा नंबर, 21 का 1 में मल्टीप्लाई 21, और ये 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 24 और 1 25, तो ये होगा 256, 256 में आप 21 घटाओगे तो ये हो गया 6 में 1 गया 5, और 5 में 2 गया 3, और 235 डिवाइड में 256, अरे आ रहा है, कितना हलवा सवाल आ गया। कॉन्सेप्ट आपका सारा कंप्लीट है, अभी एक इनफाइनाइट सीरीज का बस लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक सीबीएसई बोर्ड में आया है, ये यूपी बोर्ड के अभी बहुत फेमस सवाल है, इनफाइनाइट सीरीज जीपी का यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, बड़ा सुनने में डर लग रहा है लेकिन इसको स्टाइल बहुत गजब की है, वो हम आपको अभी बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन कैसे इनफाइनाइट सीरीज होगी ये आपको बताएंगे। लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखिए, अगर आपसे परसेंटेज कभी भी किसी सवाल में पूछा जाता है इन व्हाट परसेंटेज, आप उस सवाल की प्रोबेबिलिटी से पहले सॉल्व कर लो, जब आंसर आ जाए उसमें 100 का गुणा कर देना, वो उसका परसेंटेज आ जाए। भाई अगर मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कितना परसेंट है हेड आने का चांस, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट है बोलो, 50%, वैसे आधा, 1 का आधा ही तो होता है, हाफ का मतलब आधा, आधे चांस है उसके होने के, आधे मतलब 50%, तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे। 3 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, यह आपकी सीडो क्वेश्चन है 28, 3 स्टूडेंट गिवन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम को दे रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी उस एग्जाम को पास होने की ये होगा, तो हम ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टूडेंट ये हो गया, और बी ये हो गया सेकंड स्टूडेंट पास द एग्जाम, और सी हमारा हो गया इवेंट कैसी, थर्ड स्टूडेंट पास द एग्जाम। चलिए ठीक है, ए स्टूडेंट पास हो जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी जो सेकंड स्टूडेंट है बी वो पास हो जाएगा 1/4, और जो थर्ड स्टूडेंट उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। इंडिपेंडेंट है, जानते हैं पास होना इंडिपेंडेंट, कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन में पास हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पासिंग, एटलीस्ट 2, ठीक है भैया, एटलीस्ट 2 का मतलब पहले 2 पास हो जाएं, उसी केस बना लेते हैं, 1 पे क्रॉस लगेगा, ये पास हो जाए 1/3, ये पास हो जाएगा 1/4, ये पास नहीं होगा, पास होना 1/5, तो ना पास होना 1-1/5, ये हमारा P1 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 इंटू 5 LCM आएगा, तो ये 5 ऊपर गया, 5 में 1 गया 4, 4 से 4 कैंसिल, P1 हमारा 1/3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 15 हो गया, नोट कर लीजिए, चेक करते रहो। केस सेकंड, अपना टिक आगे बढ़ाओ, यहाँ पे अब ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब 2 पास हो जाएं, तो भैया ए और सी पास हो जाएगा, बी बस एक क्रॉस लगाते रहो, इधर बढ़ाते रहो, बस वो अपने आप 2 टिक लग जाएंगे ना अपने आप, ये पास हो जाएगा 1/3, ये पास नहीं होगा 1-1/4, ये पास होगा 1/5, ये हमारा P2 हो जाएगा, ये 1/3 हो गया, 4 LCM आ गया, 4 ऊपर जाएगा, 4 में 1 घटाओगे 3, और ये 1/5, 3 से 3 कैंसिल, P2 हमारा हो गया 1/20, 4 का 5 मल्टीप्लाई 20। केस थर्ड,
अब क्रॉस इधर आएगा, लास्ट यहाँ पे आएगा, ये पास नहीं हो पा रहा है, बाकी ये दोनों पास हो जा रहे हैं, कोई दो पास हो गए वो सारे केस बन गए, ये पास नहीं होगा, वन माइनस वन बाई थ्री इंटू ये पास होगा, वन बाई फोर ये पास होगा, वन बाई फाइव तो ये पी थ्री हो गया, तो ये तीन एलसीएम आ गया, तीन ऊपर गया, तीन में गया, दो बटे तीन, वन बाई फोर, वन बाई फाइव, तो ये दो से कट करोगे दो, और ये पी थ्री हमारा हो जाएगा बच्चों, पाँच दो दस दिया तीस हो गया, एक लास्ट बनेगा, तीनों पास हो जाएं केस भैया, एटलीस्ट टू का मतलब रोक के करो, पहले दो पास हो जाएं उसके केस बना लिए, अब तीनों पास हो जाएं तो यहाँ पर केस थर्ड हो जाएगा, तीनों पास हो जाएं तो ये आपके तीनों पास हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री, इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर, इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई फाइव, तो ये पी फोर हो जाएगा, चार तीन बारह, बारह पंजे साठ, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर, पी वन हो जाएगा बेटा एक बटे पंद्रह प्लस पी टू हो जाएगा बेटा एक बटे बीस प्लस पी थ्री हो जाएगा एक बटे तीस प्लस पी फोर हो जाएगा एक बटे साठ, तो यहाँ पर हमारा जो पी होगा मेरे बच्चों कितना एल से मांगे, साठ, साठ का मल्टीप्लाई करो, साठ का मल्टीप्लाई करो, साठ का पहले वाले मल्टीप्लाई करोगे चार, साठ का दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे तीन, साठ का इसमें मल्टीप्लाई करोगे दो, साठ का एक, चार और तीन सात और दो नौ एक दस, दस बटे साठ, जीरो से जीरो कैंसिल, अरे आ रहा है, कितने लोग आ गया, बहुत आसान हो गया बेटा, बहुत आसान कर दिया मैंने, ये अब कहानी बदलेगी, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ और दे दिया जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फंडा आपका वही रहेगा। अब जैसे मान लो वही क्वेश्चन था, शॉट लगाने वाला निशाना लगा रहा है, अरे ये और वो उसमें क्या अंतर है, बस उसकी कहानी अलग है, ये शुरुआत में कुछ अलग एग्जाम की बात कर रहा, उसमें क्या हिट करने की बात कर रहा, लेकिन है वही तरीका, उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन का हिंदी में समझ लेना अनुवाद, ए मैन स्पीक ए, ए मैन ए स्पीक ट्रूथ, एक व्यक्ति 70% परिस्थितियों में वो सच बोलता है, और दूसरा व्यक्ति बी 60% परिस्थितियों में सच बोलता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है किसी परिस्थिति में दोनों में एक दूसरे के विद अन वन अनदर एग्री का मतलब होता है एक दूसरे के सहमत हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, सहमत होने का मतलब होता है, देखो एक होता है सपोर्ट करना, एक ये होता है मेरा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मतलब जो तुम चाहते हो वही वो भी चाहते हैं, इसको सपोर्ट करना कहेंगे कि ठीक है सपोर्ट, या एक साथ तुमने कोई बात बोली दूसरे ने वही बात, यार मेरे साथ हमेशा रहता, यानी एग्री कर रहा है, तुम गलत बोल रहे हो तो वो भी गलत बोल रहा है, इसको एग्री बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है तुम सही बोल रहे हो, कह रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है अपोज करना, इसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। एग्री वाले सवाल में बस आप कोई घबराओ नहीं, सवाल जब भी ऐसा सवाल हो, ये बहुत फेमस है, ये पॉपुलर सवाल है बेटा, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप सीबीएसई के एग्जाम में भी आया हुआ है, और ये यूपी के एग्जाम में भी आया हुआ है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई सच बोल रहा है उसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखना किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, ये एक एक ही कथन के बारे में, एक स्टेटमेंट के बारे में दोनों लोग बोल रहे हैं, और दोनों का जो चांस है वो अलग अलग दिया हुआ है, ये 70% ये 60%, उससे कोई लेना देना नहीं, उन दोनों को जोड़ना नहीं 100%, अरे वो अलग है, वो 90% भी हो सकता है, अब हम बोल रहे हैं हम 99% सच बोलते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है, कोई लड़का 98% सच बोलता है, उन दोनों को जोड़ोगे 100 थोड़ा ना होना चाहिए, वो अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है, हम कितना परसेंट सच बोलते हैं उसको हमारे बारे में बताया जा रहा, तो ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, तो ये होगा ए स्पीक ट्रूथ, उसमें लिखा हुआ है लेकिन हम दोबारा से लिख दे रहे हैं, और ये बी, ये हो गया मैन बी परसेंटेज तो नहीं लिखा, इन व्हाट परसेंटेज भी बोल सकता है, इस प्रोबेबिलिटी को हटा के इन व्हाट परसेंटेज निकाल लेना, व्हाट परसेंटेज में आप प्रोबेबिलिटी निकाल के 100 का गुणा कर देना आ जाएगा परसेंटेज, तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब 100 बार अगर कोई बात बोली उसमें 70 बार वो सही बोल रहा, ये तो मतलब हुआ, तो ये परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी 7/10 हो गया,
बी वाले मैन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सच बोलने की, 60/100 होगा। 0 0 कहते 2 3 6 2 5 10 3/5। अब एग्री करने का मतलब क्या हुआ, एग्री करने का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट। तो सेम का मतलब होता है यहाँ पर केस फर्स्ट, केस तो बनाने ही पड़ेंगे ना, या तो दोनों सही बोल रहे हैं, तो दोनों सही बोलने की प्रॉबिलिटी 7/10 इंटू 3/5, कुछ कटने की संभावना नहीं, 21, 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21/50। तो ये P1 हो गया, ये हमारा P1 हो गया 21/50। केस सेकंड होगा एग्री होने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब उस पर टिक तो इस पर भी टिक, इस पर क्रॉस तो उस पर भी क्रॉस, इसको एग्री होना कहेंगे। कॉन्ट्राडिक मतलब एक पे टिक दूसरे पे क्रॉस, उसी के लिए दो केस बनेंगे। ये कितना होगा, ये सच नहीं बोलेगा इसकी प्रॉबिलिटी ये होगी, ये सच नहीं बोलेगा इसकी प्रॉबिलिटी 3/5। ये हमारा P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ जाइए, P2 कितना होगा बेटा, LCM लिया 10, LCM जब 10 लोगे तो ये बटे में 1 है, 10 ऊपर आएगा, 10 में 7 माइनस होगा, 3 हो जाएगा। और इधर LCM आएगा कितना, 5, इधर 5 LCM आएगा, ये 5 बटे में 1 है, 5 ऊपर जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2/5 ये कट जाएगा, 2 न काटो रहने दो, छः बटे 50 LCM लेने में आराम रहेगा। चलो LCM लेने में आराम रहेगा, इसलिए दोनों के बटा में 50 है ना, तो हमने सोचा जब LCM लोगे तो 50 ही रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों एक दूसरे का एग्री होंगे, तो ये क्या होगा, P1 कितना है 21/50, P2 कितना है 6/50, 50 LCM आ गया, 21 में 6 जोड़ोगे 27/5, ये आंसर हो गया। इसका मतलब, अरे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ एग्री होंगे। अब दूसरा जो इसके अब बाद वाला क्वेश्चन, वो हमने एक साथ दे दिया, मान लो कॉन्ट्राडिक्ट, बेटा एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट और एक होता है आपका एग्री करना, दोनों चीज़ों को जरा समझो। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक अपोजिट डायरेक्शन, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, एक सही तो दूसरा गलत, एक गलत तो दूसरा सही। तो यहाँ पर हमने लास्ट में चेंज कर दिया है, देख सकते हैं 33 क्वेश्चन में, ये देखो अब इसमें परसेंटेज बोल रहा है, चलो उसको दोबारा से लिख लेते, उसमें आप करिए जल्दी से 33 वाला दोबारा से करो, और उसमें इन व्हाट परसेंटेज बात कर रहा है, इसमें भी हम बोल सकते थे प्रोबेबिलिटी की इन व्हाट परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है, इन एनी इवेंट बोथ एग्री विद वन अनदर। तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा बोलो, 100 का मल्टीप्लाई करो, 100 का मल्टीप्लाई करो 2, इसका मतलब 2 × 7 = 14, कितना परसेंट आएगा, 54% आंसर होगा, 54% अगर परसेंटेज में बात करता। चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हो गया। Yes, सवाल में कह रहा है 70% ए सच बोलता है किसी फैक्ट को, उसी फैक्ट को बी जो है 60% सच बोलता है, और यदि उन उस फैक्ट के बारे में दोनों एक दूसरे का विरोध करें, इसके क्या परसेंटेज है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकाल के परसेंटेज आ जाए। तो विरोध करने का मतलब क्या होता है, अपोज करने का मतलब यही है कि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, वो चाहता है सच बोलना वो पहला वाला और दूसरा वाला, वो यहाँ पे केस बनेगा, वो कौन चाहता है ये तो बताया नहीं, केस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो लिख लेना, ए आपका सच बोले, बी आपका ट्रूथ बोले। चलो तो ए का सच बोलने का परसेंटेज होगा 70/100, जो कि आपका 7/10 होगा। बी सच बोलेगा, इसका परसेंटेज होगा 60/100, जो कि कैंसिल करके 2 3 2 5 3/5 होगा। अब यहाँ पर दोनों अपोज करने का मतलब है कि केस फर्स्ट एक सच बोल रहा है और दूसरा झूठ बोल रहा है। केस सेकंड पहले इसको निकाल लेते हैं, ये सच बोल रहा है 7/10, ये सच नहीं बोल रहा है 1 − 3/5, ये हमारा P1 होगा। तो 7/10 और ये आपका 5 LCM आ गया, तो 5 में 3 घटाओगे 2, 2 से कट करो, चलो ऐसे ही रहने दो, तो ये होगा 14/50, ये आपका P1 होगा बेटा, काटा नहीं हमने उसके भी बटे डिवाइड में, दूसरे केस में 50 बनेगा। केस सेकंड क्या होगा, अपोज करने का मतलब अब ये झूठ बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध कर रहे हैं, तो ये सच नहीं बोलेगा इसकी प्रॉबिलिटी 1 − 7/10, ये सच बोलेगा इसकी प्रॉबिलिटी 3/5, ये हमारा P2 हो जाएगा। 10 LCM आएगा, 10 में 7 घटाओगे 3 और 3/5,
तो ये हो गया 9, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 और 10 में 5 का मल्टीप्लाई 50, तो दोनों केस को ऐड कर दोगे P1 + P2, और P1 हमारा होगा 14/50 और प्लस 9/50, और यहाँ से कह सकते हैं P हमारा 50 LCM 14 प्लस का 9 और P हमारा आएगा 23/50। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना होगा बोलो, 20 रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो ये कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई 0 कैंसिल 2, 46%। अरे आ रहा है, कितना आसान है बेटा, बहुत इजी है, वेरी सिंपल। अब देखेंगे इसको, इसके बाद जरा समझो, इधर देखिए आगे, लास्ट फंडा, लास्ट कॉन्सेप्ट, आवाज नहीं, पहले शांत हो जाइए। इधर देखे बेटा, सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस बार सीबीएसई में 2023 में आया हुआ एक, 2023 में आया है इनफाइनाइट सीरीज, बहुत आसानी से हो जाएगा। जरा सुनो, इधर आवाज बंद करिए जरा। मैंने कहा दो लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, दोनों गेम खेल रहे हैं। मैंने कहा भाई विनर बनेगा, कोई एक विनर बनेगा, और इन दोनों को कहा कि तुम दोनों गेम में भाग लो, 100-100 रुपये पहले जमा करो। इन्होंने कहा ठीक है सर, 100 रुपये जमा किया, कितने हो गए 200, उसमें मैंने 300 अपनी तरफ से रख दिया, कितने हो गए, अब मैंने कहा जो जीतेगा उसे ये मिल जाएगा, ठीक है 100-100 इनका लगा है, फिर भी जो है 100-100 लगने का मतलब जो विनर बनेगा उसको एक प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्रॉफिट, तो इस 100 इसका लगा 100 इसका लगा, तो कितना जमा किया है बोलो, नहीं पीछे 200, और उसमें मैंने कितना मिला दिया 500 बन गया। सर जी गेम क्या खेलना है इनको, मैंने एक पांसे लाए, क्या लेकर आए पांसा लेकर आए, वो जो लूडो होता है, और लूडो ले आए, और मैंने कहा बेटा एक काम करो कि जो है अब ये गेम स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसने कहा ठीक है सर गेम को स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा विनर वही बनेगा जिसका फूर आएगा, विनर वही बनेगा जिसका फूर आएगा, विनर कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक नंबर दिया। मैंने कहा गेम को स्टार्ट किया जाए, ये गेम जैसी फोर आ गेम ख़त्म। अब ये दोनों जो है कहने लगे ठीक है सर, लेकिन सर मेरे से शुरुआत कीजिए। बात सही है यार, आदमी लड़ झगड़ रहा है, एक दूसरे बोला नहीं सर मुझसे, मैंने किससे शुरुआत किया, दोनों कह रहे नहीं मुझसे शुरुआत कीजिए मुझसे। भैया देखो इधर, यहाँ पर दोनों का भी 100-100 रुपये लगा हुआ है, इसलिए जो है दोनों कह रहे हैं कि सर जी मुझसे शुरुआत कर दीजिए प्लीज़। मैंने कहा बेटा तुमसे कर दें, नहीं अब इसमें भी समझो लड़ाई झगड़े वाली बात है कि भाई किससे शुरुआत करें, क्योंकि यार जिससे शुरुआत पता है उसका ही चाह रहा है ख़त्म, उसको चांस ही नहीं मिला, ये तो अन्याय हो गया, अब क्या करें। लेकिन गेम ऐसे ही खेला जा रहा है। मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे, ए नाम दिया ये बी नाम दिया, ए से गेम को स्टार्ट किया जाएगा, खेलिए। इन्होंने फेंका, 5 आ गया, दूसरा वाला खुश हो गया, चलो भाई अब मेरा आएगा। इनने फेंका, 3 आ गया, उसको फिर धक्का लग गया, अब इसका ना आ जाए, इसका ना आ जाए, उसको लग रहा खुशी हो रही अब मेरा आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को भी याद किया जाएगा साथ में, ठीक है भाई जब कोई काम नहीं बनता तो ऊपर वाले साथ में सपोर्ट मिल तो जाएगा। इसका मतलब इस बच्चे ने भी सोचा कि मेरा 4 आ जाए, फिर खेला नहीं आया, तो सर जी ये गेम अब यार ये तो हम कल्पना कर रहे हैं ना, क्या क्या कल्पनाएं हो सकती है हमारे, क्या क्या केस बन सकते हैं, जिसने गेम को स्टार्ट किया है उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, तभी हम दोनों की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज विनिंग की निकाल सकते हैं। ए विन करेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ए विंस द गेम, ए विंस कर दिया इस गेम को इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बी विंस द गेम, ये ध्यान रखिए ए विंस द गेम ये हो गया, और ये होगा बी विंस द गेम, यानी बी विन कर जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और इस सवाल में ये मुझे जरूर बताना पड़ेगा किसने गेम को स्टार्ट किया है, ऐसे में प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती। इफ बी स्टार्ट द गेम, इफ ए स्टार्ट द गेम, सर जी कौन सा स्टार्ट द गेम, इफ ए स्टार्ट द गेम, यानी ए गेम को स्टार्ट कर रहा है, ए जो है स्टार्ट कर रहा है, तो अब हमने कहा मुझे केस फर्स्ट क्या होगा बोलो, ए ने स्टार्ट किया विन कर गया, तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बोलो, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, नंबर तो वो एक ही है ना डिजिट 1/6, ठीक है ये हो गया। केस सेकंड क्या होगा, हमें अगर पहले अगर आपको बेटा ये बात सच है कि कई सारे केस बनेंगे, हमें ए को विन करने की प्रोबेबिलिटी बनानी है निकालनी है, तो हमें वही केस बनाने होंगे जिसमें ए विन करेगा, ए ने खेला नहीं आया, हमें ए को जिताना है,
बी ने खेला नहीं आया, और ये क्या होगा बोलो, ये ए ने खेला। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा ऐसे लिख दें, पी ए हो गया और ये क्या होगा बोलो, ए ने खेला नहीं आया, बी ने खेला नहीं आया और फिर ए ने खेला आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी चाहो तो ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने खेला नहीं आया और बी ने खेला नहीं और ए ने खेला आ गया, तो ये कितना होगा भाई, ए ने ए का 4 आएगा, यानी तभी वो नहीं आएगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1-6 और 1-1/6 और ये कितना होगा 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/6 × 5/6। अब इसकी खासियत यह है, इन सवालों की खासियत यह, गुणा ना कर देना सबको, फंस जाओगे, उलझ जाओगे, ऐसे होल स्क्वायर बना के लिखो। केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, हमें ए को विन कराना है, ए बी फिर खेला नहीं आया, फिर भैया ए को विन कराना है तो हमेशा यही होगा, तो ये ए ये कितना होगा 5/6 × 1/6, तो ये क्या होगा बोलो, 5/6 की पावर, ऐसी डॉट डॉट केस बनते चले जाएंगे, अरे बोलो बनते चले जाएंगे। आपको ये बात सच है सर जी, ऐसा होना तो बहुत है, तो देखो तो कितना कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है और कम होने लगेगा। भैया कोई चीज हो रही है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी, उस नंबर से फेल करो। सर इतना लंबा गेम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो इसलिए तो अब मैंने कहा किसी का 6 बार, मतलब कोई भाई लूडो गेम खेलते हो, 1 बार 6 आ जाएगा 1/6, 2 बार 6 आ जाएगा तो 1/6 × 1/6, तो ये 1/36 और कम चांस हो जाएगा, जितना ज़्यादा बार चाहोगे उतनी बार वो होना बहुत कम चांस होगा। तो आपको ऐसे करना है, इन सवालों को करने का तरीका यही होता है, कौन गेम को स्टार्ट कर रहा है उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी वाले केस बनाना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए विन्स द गेम, ए विन्स द गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबको ऐड करो जल्दी से, 1/6 + 5/6 का स्क्वायर, अरे ये तो सिखा रहे थे जितने केस बनेंगे ऐड करते जाना, ये बात सही है थर्ड, और ये होगा 5/6 की पावर 4 और 1/6, ऐसे डॉट डॉट कर देना बस, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये बताइए क्या होगा, एक काम करो, 1/6 कॉमन आ रहा है, 1/6 कॉमन आ रहा है, 1 + 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 का होल पावर 4, जीपी बनेगी 110%, जीपी बनेगी, जीपी बनती इन सवालों में। दो लोगों को खेल स्टार्ट किया जा रहा है, वो गेम को स्टार्ट कर रहा है जिसका आपका क्या आ जाए 4 आ जाए, तो वो आपका ये होगा, तो ये कितना होगा बेटा, 1/6 × कितना होगा बोलो, यहाँ पर होगा कितना बोलो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर 1 + 5/6 का स्क्वायर, ये बताओ जीपी है, देखो 1, 2 पावर बढ़ा, जीपी का मतलब होता है कि आपका एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, 5/6 का मल्टीप्लाई करो ये बनेगा होल स्क्वायर, सॉरी फिर 5/6 का होल स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5/6 का होल स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बोलो, 5/6 का होल पावर 4, जीपी का मतलब होता है एक निश्चित नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 2 8, 2 16, वही डेफिनेट नंबर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं उसे जीपी कहा जाता है, 2 × 2³, 2 की पावर 5, तो यहां पर 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, इधर देखो बोलो नहीं, 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ोगे उसे क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे बेटा। तो यहां पर मैंने 5/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ये बना, फिर 5/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ये बना, 5/ होल पावर, और किसी भी जीपी को, सर जी ये तो प्लस इनफाइनाइट तो कैसे जोड़ेंगे, अरे बेटा जीपी के अनंत पदों को जोड़ने का हमारा कैलकुलेटर है, किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म को जोड़ना है, a/(1 - r), फर्स्ट टर्म कितना है 1, जिसका गुणा करके आगे बढ़ रहे हो वही कॉमन रेशियो है, किसका मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, 5/6 का होल स्क्वायर, तो a हो गया 1 फर्स्ट टर्म जिससे शुरुआत हो रही है, r यानी जिसका मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, तो 5/6 का होल स्क्वायर, और यहां पर होगा 1/6 और ये होगा 1/(1 - 25/36, 5 ये हो गया, तो 1/6 और यहां पर 36 LCM आएगा मेरे बच्चों, 36 LCM आएगा, तो 36 - 25, 6 × 36, 6 सबसे ऊपर जाएगा, 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 6/11, ये क्या होगा बेटा, ए विन्स द गेम, ए गेम को विन कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ए विन्स द गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे बच्चों,
ए विंस जो है, ए विंस द गेम, इसको ए विन कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, 6/11 इसकी प्रोबेबिलिटी विन करने की 6/11 है। ए गेम को विन कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/11 है। सर जी अब बी विन कर जाए गेम को, इसके लिए भी कर लें, या तो ऐसे ही कर लो बी जीते हुए वाले के, लेकिन क्या ज़रूरत है यार, दो ही तो लोग खेल रहे हैं, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये हारेगा तो कौन जीतेगा, तो यहाँ पर ये होगा बी विंस द गेम, बी विंस द गेम, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ए विंस द गेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है, और तीन लोगों का भी हो सकता है सवाल, कि तीन लोग खेल रहे हैं, अब तीन लोग खेल रहे हैं तो यार बड़ी दिक्कत है लास्ट वाले को, ए खेलेगा फिर बी खेलेगा, उन दोनों में पता चला 4 आ गया, लो 100-100 जो है वो, अब हमने कहा यहाँ से वहाँ तक सबके सबके 100-100 रुपये जमा करा दें, और भैया चालू करते हैं, जिसका 4 आ जाएगा पूरा लाइन से चल रहा है लास्ट तक, उसको ये सारे इकट्ठे जो रुपये हैं वो मिलेंगे। तो आप कहोगे सर जी मुझे हटा दीजिए, जो पीछे बैठा हुआ यही कहेगा, ये कहेंगे मुझे हटा दीजिए अगर वहाँ से गेम चलो, और जिसको स्टार्ट करे सर जी हाँ, तो बेटा ये कहने मतलब जितना आगे जाओगे यार उसका जो आने का चांस है वो तो आ ही जाएगा ना, 2-4 बार फेंकते रहो 4 तो आ ही जाएगा, वो बहुत कम चांस है कि आए ना, कभी कभी ऐसा हो जाता 6 आ ही नहीं रहा, तुम पता चला उसकी 4 गोट अंदर है और तुम ये 1 के चक्कर में फंसे हो, 1 आ ही नहीं रहा हो, हुआ ऐसा संयोग उसकी 4-4 अंदर हो गई, लास्ट में ऐसा खतरा हो गया कि तुम्हारा 1 आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना कम चांस होता है। ठीक है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 1 माइनस कितना होगा बेटा, 6/11, तो 11 एलसीएम आएगा मेरे बच्चों, 11 माइनस 6 5/11, तो बी विन कर जाएगा गेम को, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो कैसा भी गेम हो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये क्लियर होना चाहिए, इस सवाल को करने के लिए बहुत आसानी से सवालों किया जा सकता है। मैंने क्या कहा, अरे यार हमने कहा इसने खेला उसने खेला नहीं आ रहा है, खेलते जा रहे हैं दोनों, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होगा, लेकिन मान लो खेलते जा रहे हैं तो वो केस बनाते जाओ, भाई हो सकता है ए ने खेला, भाई गेम कब तक चलेगा, जब तक 4 नहीं आएगा, जैसे गेम 4 आ गया भाई गेम खत्म, ए ने खेला नहीं आया, अब हमें ए को अगर विन कराना है तो ए के केस, तो ए ने खेला आ गया, उसी ने स्टार्ट किया आ गया जीत गया, अच्छा कोई और भी तरीका था उसके जीतने का, हाँ ए खेलता ना था 4, फिर बी खेले बी का भी नहीं आना चाहिए 4, फिर दोबारा ए ने खेला आ गया 4, ये केस दूसरा हो सर जी, और भी हो सकता है जीतने का, हाँ हो सकता है ए ने खेला नहीं आया, बी ने खेला ना, फिर दोबारा 4 मिली, ए ने नहीं खेला तो फिर बी का भी फिर दोबारा नहीं आना, फिर ए ने खेला आ गया, तो ऐसे केस बनाते जाएंगे, और ये चांस जितने आगे केस जा रहे बहुत कम होता जा रहा है उसका चांस, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, भले वो नहीं है चांस लेकिन हो सकता है। मैंने कहा यार मैं 50 बार फेंकूंगा पांसे को और 6 नहीं आया मेरा, तो ऐसा नहीं कहोगे, नहीं हो सकता है, मे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हर बार होगा वो चांस कम होगा। भाई अगर मुझे एक ओवर में मान लो मैंने कहा एक ओवर में 24 रन बनाने हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने वही मैच को 10 बार कराया, हो सकता है एक बार हो जाए, लेकिन हर बार वो एक ओवर में 24 रन बना लेगा, ऐसा चांस कम होगा। ठीक है तो वही चीज है, आपको एक विन करने वाले केस बनाने होंगे, बस ये 3 केस बना लेना और डॉट डॉट कर देना, सारे केस को ऐड कर देना, और वो जीपी बनेगी, जीपी का फॉर्म लगा देना, एक ही विन्स करने प्रो। अच्छा अगर यहाँ पे लिखा होगा बी स्टार्ट द गेम तो बी स्टार्ट द गेम कैसे होगा, अच्छा मान लो अगर ऐसे ना करें, बी ने स्टार्ट नहीं किया, अच्छा बी के विन करने की प्रॉबिलिटी अगर दूसरे स्टाइल से निकालेंगे तब भी वो इतना ही आएगा, देखो कैसे, कितना आ रहा आंसर, इसको याद रखना, कितना आ रहा बी विन करेगा, अब जरा वो केस बनाओ जिसमें बी 5/11, ध्यान रखना बी विंस द गेम का मतलब बी आपका गेम को जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/11, चलिए देखेंगे बेटा, लिखेंगे केस फर्स्ट, बी विन कर जाए तो भैया ए ने खेला नहीं आया, स्टार्ट तो ए ने किया ना गेम, सर जी आप फिर बी को क्यों नहीं किया, अरे गेम किसने स्टार्ट किया, ए ने, तो ये हो गया 5/6, 1 माइनस 1/6, उसको डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस 1/6, जिसे एलसीएम लेंगे 5/6 हो गया, और ये हो गया 1/6। दूसरा के सेकंड बोलो, ए बी, ए ने खेला नहीं आया, फिर ए ने खेला नहीं आया, बी ने खेला आ गया, 5/6 तीन बार होगा इंटू 1/6, और ये 5/6 3 बार है तो होल क्यूब इंटू 1/6, एक केस और बनाओ बट डॉट डॉट कर देना, केस थर्ड, इसमें बट डॉट डॉट ही करना पड़ता है, ए बी ए फिर बी फिर ए
फिर भी ये विन कर गया, ये नहीं आ रहा इनका चार, तो ये 5/6 कितनी बार होगा, ये 5 बार हो जाएगा, और इंटू 1/6 ये 5/6 की होल पावर 5 इंटू 1/6 ... अब यहाँ पे ऐड करो सबको, सारे केसेस को ऐड किया जाएगा, कितना होगा बोलो, सारे केसेस को ऐड करोगे 5/6 इंटू 1/6 इंटू ना करो प्लस 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 का होल पावर 5 इंटू 1/6 ... इन्फिनिटी, यहाँ से 5/6 भी कॉमन आएगा, 1/6 भी कॉमन आएगा, तो ये 1 बचेगा प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का एक पावर कम हो जाएगी 4 ... इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा बेटा 5/36 इंटू a/(1-r) जी पी इन्फाइनाइट जी पी का फॉर्मूला गया, ए फर्स्ट टर्म 1 5/6 जिसका गुणा कर रही हो गया 5/36 इंटू 1 - 25/36 यहाँ पे कितना होगा 5/36 इंटू 1 - 36 कैल्सियम आया 36 - 25 कैंसिल 5 और 36 में 5 = 11 अरे आ रहा है। तो क्या जरूरत है सब करने की यार, दो ही लोग तो खेल रहे हैं, अगर तीन लोग खेल रहे हैं तो करेंगे हम, तब दो लोगों के जीतने प्रॉबिलिटी निकाल लेना, 1 - कर लेना तो सी के विन करने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। बेटा यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गेम ए स्टार्ट कर रहा है, हमें ए की प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं, तो ए के जो विन करने की प्रॉबिलिटी है वो अगर 1 - करोगे तो ए के विन न करने की प्रॉबिलिटी है, तो वो नहीं विन करेगा, तो दो ही तो लोग हैं वो नहीं विन करेगा भाई, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, जब वो विन नहीं करेगा तो कौन विन करेगा, बी विन करेगा, तो ए के विन न करने की प्रॉबिलिटी को हम बी के विन करने की प्रॉबिलिटी कहेंगे, और वो 1 - कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, अब द एंड हो चुका है प्रॉबिलिटी का। अब आपको जो क्वेश्चन है, कितने इसमें क्वेश्चन है, 73। अब इनके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अब एक देखे इधर आपसे पूछ ले, पहले दो तरीके हैं सॉल्यूशन देने के, एक होते हैं सिंगल क्वेश्चन सिंगल वीडियो, जैसे हमने कहा कि तीसरा क्वेश्चन तो तीसरा वीडियो, और एक होता है एक में सारे सॉल्यूशन। एक में सारे सॉल्यूशन में क्या नुकसान होता है, कुछ बच्चे से यार सब जान ने, उनको आगे पीछे बढ़ाना पड़ता है, पता नहीं कौन से नंबर पर होगा, कहाँ होगा, इधर उधर बढ़ाओ, टाइम उसी में बर्बाद। तो ये बताइए कितने लोगों को सिंगल वीडियो वाले सॉल्यूशन पसंद है, हाथ उठाए। सिंगल सॉल्यूशन का मतलब 74 नंबर, तो 74 ही नंबर, चलिए तो ये ठीक है। इसके आपको हर एक क्वेश्चन का सिंगल वीडियो मिलेगा, आपको जो सॉल्यूशन देखना बस पूरा एक लिंक मिल जाएगा प्रॉबिलिटी का, और आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके, हर एक लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों आपको सीट वहाँ पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से, और लिंक भी डाल देंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे जब सारे वीडियो बन जाएंगे, रुक जाइए अभी क्वेश्चन लिंक भी डाल देंगे, बैठिए सुनिए। उससे क्या होगा, आपको हर एक सॉल्यूशन जो नंबर देखना उस पर क्लिक करो, समय बर्बाद ही नहीं होना। चलिए लिखेंगे एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आवाज नहीं बेटा, आप इसको मत सोचना, देखो इधर इसका मैंने एक एक सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं, बस वो वीडियो सॉल्यूशन भेज देंगे, उसमें आप सॉल्यूशन देंगे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी का पूरा कंप्लीट है, और हर लेक्चर में जब सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे तो हर लेक्चर में हम PDF के साथ उसके सॉल्यूशन के लिंक भी डाल देंगे। लिखिए 3 मार्क्स का, इसी बार का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है ए एंड बी थ्रो ए डाई ये है, जरा उसमें देखो बेटा, सीट में है सवाल, कहीं पे होगा, कौन सा 70 नंबर पर है भाई, आंसर पीछे देख लीजिए। ये एक सवाल है जो बच्चों को थोड़ा इनफाइनाइट सीरीज के कारण थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन घबराना नहीं, बहुत आसान। लिखेंगे फाइंड दियर
इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक जो हमने करा दिए हैं वीडियो में, जब हम लिंक भेजेंगे जितने भेजते चले जाएंगे वो बाद में सब हम एक कलेक्ट करके एक ऐसा सिंगल लिंक बनाएंगे जिसमें सारे नंबर लिखे होंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, मान लो चाहे जितना भी जिए उससे मतलब नहीं, लेकिन आप कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन पर क्लिक करके उस लिंक को जैसे क्लिक करेगा तो वही आपका सॉल्यूशन चलेगा, प्ले होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 70 नंबर पे बता रहे हैं, देखो सीबीएसई लिखा भी है 2023, और इस 70वें का आंसर आएगा ए विंस द गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर ये आना चाहिए 6/11, और बी विंस द गेम इसका आंसर आएगा 5/11। चलिए भाई आया आंसर, अरे आया, कितना होगा देखो इधर कैसे होगा, बिल्कुल सेम है यार, यहाँ 4 की जगह कोई भी डिजिट रख दोगे आंसर तो सेम आएगा, देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने अल्टरनेटली का मतलब होता है एक ने फेंका फिर दूसरे फेंका फिर दूसरे, भैया खेलते रहो जब तक आपका नहीं आएगा 6 आप क्विन नहीं करोगे। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ने गेम को स्टार्ट किया, ये लाइन हर सवाल में लिखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको ये नहीं दिया है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये जरूर दिया जाएगा कि किसने गेम को स्टार्ट किया है, ए स्टार्ट द गेम, इसका मतलब गेम को ए ने स्टार्ट किया है। तो यहां पर ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, केस पास ए का आ गया भैया तो 1/6 आंसर होगा, के सेकंड क्या होगा मेरे बच्चों, के सेकंड क्या होगा, ए ने खेला नहीं आया, बी ने खेला नहीं, अब ए ने विन कर दिया तो ये नहीं आएगा 1/1 - 1/6, 1 - 1/6 और ये हो गया 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6 और ये 5/6, देखो 6 LCM 6 - 1 5/6, 1/6, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, बस 3 केस बना लीजिए, 3 केस बना लीजिए, गेम खत्म। यहाँ पर ए ने खेला, बी ने खेला, फिर ए ने खेला, फिर बी ने, फिर ए ने, आ गया भाई, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया और आ गया तो विन कर गया गेम, तो ये होगा 5/6। इसी तरह से 5/6 वैसे ही डायरेक्ट इसको लिखते जाओ 5/6 और ये 5/6 और यहाँ पर 1/6 तो ये हो गया 5/6 का होल पावर 4 × 1/6, ठीक। चलिए अभी हमारे ऐसे होगा तो ए विंस द गेम, ए विंस द गेम, ए गेम को जीत जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सारे केसेस को ऐड कर दिया जाएगा, बोलिए, अरे बताइए, तो सारे केस को ऐड करोगे 1/6 + 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 + 5/6 का होल पावर 4 × 1/6 ·∞। तो यहां से हमारा 1/6 कॉमन आएगा तो 1 + 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल पावर 4 ·∞। तो यहां पर 1/6 ये जीपी है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी के अनंत पदों का योगफल a/(1 - r) होगा मेरे बच्चों। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस जिस नंबर का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो 5/6 का स्क्वायर है, तो यहां पर लिखेंगे 1 - 5/6 का होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 1/6 × 1 - 1 25/36, तो यहां पर एलसीएम लोगे 1/6 × 1/36 एलसीएम आया, तो ये 36 - 25 तो 6 × 36 ये 6 सबसे ऊपर गया 6/11, तो ये ए विंस द गेम, अरे क्लियर, तो ए विन ना कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 6/11 यानी बी विंस द गेम होगा, अरे फंडा क्लियर है। यस सर। तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी का आपका द एंड हो चुका है, बंद करिए।